यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग लो, होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग था वैसे का वैसे और ये आपके एग्जाम में टेन मार्क्स के करीब कवर करता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी टेन मार्क्स के करीब कवर करता है और ये टॉपिक है वो भी आपका टेन मार्क्स है या उससे ज्यादा भी बहुत बार कवर करता है अब एक चीज समझना नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस सर रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों सीखना जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन इस कंट्री का रेजिडेंट होता है इंडिया का तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है और अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट होता है तो उसके लिए सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है तो हमको स्टेटस निकालना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ द स्कोप ऑफ टोटल इनकम अब रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकालना चालू करेंगे इंडिविजुअल का सर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले दो बेसिक कंडीशन दे रखी है सेक्शन सिक्स वन में

बेसिक कंडीशन में से आप एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हो ये दो बेसिक कंडीशन है इसमें से अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हो तो आप बन जाओगे इंडिया के और अगर आपने एक भी बेसिक नहीं की तो जरूरत तो तो नहीं लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन गए तो चेक करना पड़ेगा आप एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट हो अब रेजिडेंट एंड ऑर्डनरली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट कैसे पता चलेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दो एडिशनल कंडीशन है वो चेक करनी पड़ेगी और ये दो एडिशनल कंडीशन कौन सी है? पहली एडिशनल कंडीशन बोलती है दैट इज द रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टू प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट टेन प्रीवियस के टेन प्रीवियस इीवियस के रेसिडेंट रहे हो इन सिंपल वर्ड बता दूसरे कंडीशन से तो आप तो देखो बेटा मैंने क्या बोला लास्ट के टेन प्रीवियस ईयर में टू प्रीवियस ईयर और मोर इंडिया के रेजिडेंट रहे हो एंड स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर अगर आप ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिसफाइड कर लेते हो अलॉन्ग विद एटलीस्ट वन बेसिक condition. ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हो अलोंग विद एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन तो आप बन जाओगे रेजिडेंट 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 एंड अदरवाइज आप बन जाओगे बट नॉट रेजिडेंट तो देखो बेटा मेरी तरफ देखो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए पहले सबसे पहले दो बेसिक कंडीशन पहली बेसिक कंडीशन बोलती है स्टे इन इंडिया फॉर वन डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर दूसरी बेसिक कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर सिक्सटी डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर अगर आप इन दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया तो

जाता है वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा मींस स्टे इन इंडिया काउंट करते टाइम जिस दिन कोई पर्सन इंडिया में आता है वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा और जिस दिन इंडिया से जाता है वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन गाइस तीन केस ऐसे हैं जिसमें आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है तीन केस ऐसे हैं कितने केस तीन जिसमें आपको ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है मिस आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करो तो रेजिडेंट अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट ये बेसिक कंडीशन है इस पे काटा मार दो ये बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है कितने केसेस में तीन केसेस में कौन कौन से तीन केस सबसे पहला अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मींस इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के इस साल में जा रहा है फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस इन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया का मतलब होता है इंडिया के बाहर कोई जॉब करने के लिए जा रहा है या इंडिया के बाहर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जा रहा है दैट उसके लिए आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है वो देखने की जरूरत नहीं है दूसरा इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियनशिप

या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन का मतलब ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट में से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था मिस पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट में से किसी का भी बर्थ है करके ठीक है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था मिस नाइनटीन से पहले इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों एक थे अगर वहां पर बर्थ हुआ था तो देखो अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम है वो आपका अप टू फिफ्टीन लैक है तो आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है तो देखो बेटा मैंने क्या बोला इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है वो इंडिया में इस साल आ रहे हैं किसके लिए विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम है वो अप टू 15 लाख है तो आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप मुझे बोलोगे कि सर अगर 15 लाख से ज्यादा है तो अगर टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है तो बेटा ये आपको सेकेंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी लेकिन इस सेकेंड बेसिक कंडीशन में एक चीज का चेंज हो जाएगा ये 60 डेज की जगह आपको 120 डेज को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा

अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो इंडिया में आ रहा है ठीक है विजिट के लिए और उसका अगर मान लो पंद्रह लाख से ज्यादा है टोटल इनकम तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी है अब एक चीज समझना अगर वो पर्सन ने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो आप सेकंड बेसिक कंडीशन देखोगे और सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए आपको 120 डेज देखना है तो अब एक चीज समझना अगर उसने इंडिया में स्टे करंट ईयर में वन डेज या उससे ज्यादा किया है बट अपू वन एटी वन डेज किया है

182 डेज है एंड लास्ट के फोर प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर है तो उस केस में वो रेजिडेंट तो माना जाएगा बट वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा उसके लिए फिर एडिशनल कंडीशन है वो देखने की जरूरत नहीं है यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस तो यही इस साल का अमेंडमेंट है जो यहां पे मैंने दे रखा है अब एक और चीज समझना एक सेक्शन और इन्होंने डाली दैट इज सेक्शन सिक्स वन दैट इज कॉल योर डीम्ड रेजिडेंट अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम इज मोर देन फिफ्टीन लाख रुपीज और वो वर्ल्ड में किसी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है

या फिर जो प्रोफेशन था वो इंडिया में सेटअप हुआ था और वो वाले अगर मान लो इनकम है तो भले वो इंडिया के बाहर अक्रूड और अराइज हो रही है तो भी उसको इंडियन सोर्स का इनकम मानेंगे तो मैंने क्या बोला देखो फॉरेन सोर्स का इनकम इनकम मतलब ऐसा जो इंडिया के बाहर अक्रूड और अराइज होता है लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो वो बिजनेस इंडिया में सेटअप हुआ था बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हुआ था उसका जो इनकम है तो उस केस में वो इंडियन सोर्स का इनकम है वो माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस उसके बाद बहुत सारे एक्साम्पल दे रखे आप इजीली समझ जाओगे ठीक है अब एक और चीज समझना

जाएगा इंडिया के बाहर स्टे किया है तो मैंने क्या बोला देखो बेटा अगर इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप का फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है ऐसी शिप जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है तो उस केस में क्या होगा उसके लिए कौन सा पीरियड इंडिया में नहीं माना जाएगा जिस दिन उसने शिप को ज्वाइन किया और उसके बाद से जिस दिन उसने साइन ऑफ किया वो दोनों डेट और उसके बीच का जितना भी पीरियड है वो पीरियड इंडिया के बाहर ही माना जाएगा जैसे मान लो आज उसने शिप को ज्वाइन किया ट्वेंटी डेज बाद शिप चेन्नई पहुंची तो भी ये जो ट्वेंटी डेज है ना वो भी इंडिया के बाहर ही माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट यस अब क्वेश्चन आता है कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का कैसे निकालेंगे तो एच का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एच का जो भी अफेयर्स है जो भी बिजनेस वगैरह है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से है अगर वो कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है H का जो है वो कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा अदरवाइज वो अच नॉन रेजिडेंट बन जाएगा देखो मैंने क्या बोला पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बन गया तो गोस टू बाय ऑयल अगर वो रेजिडेंट बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा वो एच आर एंड ओ आर है या फिर आर बट टेन ओ आर है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया करता को दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी

उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से है अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट अदरवाइज वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट अब इसके केस में आर एंड एनओ आर इंडिविजुअल एच के, के केस में होता है बाकी किसी के केस में नहीं होता अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेटस हम कंपनी का कैसे निकालेंगे तो गाइस तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट और यहां से आप थोड़ा ध्यान देना समझने के लिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आज ये लेक्चर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अमेंडमेंट

इंडिया में है poem का मतलब होता है place of effective management and control. ऐसा प्लेस जहां से के लिए जाते हैं, तो अगर foreign company का poem इंडिया में है अगर foreign company का poem इंडिया में है, तो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी तो देखो बेटा मैंने क्या बोला इंडियन कंपनी जो है वो ऑलवेज रेजिडेंट है इंडिया की. लेकिन फॉरेन कंपनी है वो इंडिया की रेजिडेंट तब मानी जाएगी जब इंडिया में उसका पोयम है पोयम मिस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर पोयम इंडिया में सिचुएटेड है तो वो रेजिडेंट अदरवाइज वो कंपनी क्या मानी जाएगी नॉन रेजिडेंट अब एक चीज समझना सर अब जो मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट फाइव टेन मिनट्स तक जो भी बात करूंगा वो सिर्फ एंड सिर्फ मैं फॉरेन कंपनी के लिए बात करूंगा तो ध्यान रखना क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेन कंपनी का इंडिया में पोयम कब माना जाएगा कब आप बोलोगे कि उसका पोयम इंडिया में है तो उसके लिए सीबीडीटी ने गाइडलाइंस दे रखी है और ये गाइडलाइंस तभी लगती है जब उस कंपनी का टर्नओवर टर्नओवर 50 50 करोड़ करोड़ से ज्यादा है है अगर वो तक ही उसका है, तो उसको सीधा नॉन रेजिडेंट मान लेंगे फॉरेन कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट लेकिन अगर पचास करोड़ से ज्यादा है तो यहां असेसिंग ऑफिसर को पोयम गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे वो पता करेगा कि भैया पोयम कहां पर है अब एक चीज समझना आप लोग तो फॉरेन कंपनी का पोयम अगर इंडिया में है तो उस केस में वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी लेकिन पोयम कैसे पता चलेगा तो पोयम के लिए दो कंडीशन समझने की कोशिश करना सबसे पहला अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो उसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा और अगर इंडिया के बाहर पोयम है तो वो इंडिया के लिए वो कंपनी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी दो कंडीशन कौन सी सबसे पहली कंडीशन अगर उस कंपनी का मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होता है

लेकिन आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया और आई कैन से एबीआई टेस्ट है, वो तब फुलफिल होता है जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है अगर चार कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो मैं ये बोलूंगा कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है पहली कंडीशन कि उस कंपनी का पैसिव इनकम है दैट शुड नॉट बी मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल इनकम मीन उस कंपनी का जो पैसिव इनकम है दैट पैसिव इनकम 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 शुड शुड बी बी अप टू ऑफ ऑफ टोटल टोटल इट नॉट मोर देन जितनी उसकी टोटल इनकम है उसमें पैसिव इनकम है वो अपू फिफ्टी परसेंट होना चाहिए लेकिन आप मुझे बोलोगे सर पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है तो पैसिव इनकम का मतलब ऐसा इनकम जो पैसिव है जैसे कौन कौन सी इनकम पैसिव में इनकम में आएगी अगर रॉयल्टी का इनकम है डिविडेंड का इनकम है कैपिटल गेन का इनकम है इंटरेस्ट का इनकम है और रेंटल इनकम है ये पैसिव इनकम है क्या क्या बोला रॉयल्टी का इनकम डिविडेंड का इनकम कैपिटल गेन का इनकम इंटरेस्ट का इनकम एंड रेंटल इनकम है ये तुम्हारे पैसिव इनकम में आएगा लेकिन एक चीज समझना अगर कोई बैंकिंग कंपनी है करके ठीक है या पी एफ या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसके लिए इंटरेस्ट का इनकम है वो एक्टिव इनकम हो जाएगा उसके लिए इंटरेस्ट का इनकम क्या हो जाएगा एक्टिव इनकम अब एक और चीज समझना अगर आप परचेज और सेल दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज

परचेज एज वेल एज सेल किसी गुड्स का वो दोनों अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से है तो ही आपका वो पैसिव इनकम माना जाएगा तो देखो बेटा पहला कंडीशन एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए और एबीआई टेस्ट कैसे फुलफिल होता है उसमें पहली कंडीशन ये है कि पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन फिफ्टी ऑफ टोटल इनकम अब पैसिव इनकम किसको बोलेंगे तो पैसिव इनकम के लिए पैसिव इनकम आपके एक तो रॉयल्टी का इनकम है वो पैसिव इनकम है डिविडेंड का इनकम है वो पैसिव इनकम है आपका इंटरेस्ट का इनकम है पैसिव इनकम है रेंटल इनकम है पैसिव इनकम है एज वेल एज कैपिटल गेन है वो तुम्हारा पैसिव इनकम है लेकिन एक चीज समझना इंटरेस्ट का इनकम एक्टिव इनकम हो जाएगा अगर मान लो बैंकिंग या फिनेंशियल कॉर्पोरेशन है तो अब एक और चीज समझना अगर आपने परचेज और सेल दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज को किया है आपने परचेज या सेल दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज को किया है तो उसके परचेज और सेल दोनों टू फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज है तो वो तुम्हारा पैसे इनकम होगा अब एक और चीज समझना दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि उस कंपनी की जितनी भी टोटल असेट है ना उसमें से लेस देन फिफ्टी परसेंट इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए मतलब जितनी उस कंपनी की टोटल असेट है उसमें से लेस देन फिफ्टी परसेंट है वो इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए उसके बाद जितने भी उस एम्प्लॉय जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज है ना फॉरन कंपनी के उस एम्प्लॉय में से लेस देन एम्प्लॉय इंडिया में होने चाहिए और रेजिडेंट होने चाहिए उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है है उसमें से लेस देन एम्प्लॉय वो इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए और रेजिडेंट होने चाहिए और जो इंडियन एम्प्लॉय है उनके लिए जो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर है उस कंपनी का इंडियन एम्प्लॉयज के लिए वो पेरोल एक्सपेंडिचर का फिफ्टी परसेंट से कम है वो इंडियन एम्प्लॉयज के लिए होने चाहिए अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैं ये बोलूंगा कि कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया तो मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो सर क्वेश्चन यहां पे आता है के कैसे पता चलेगा कि उसका पोयम इंडिया में है या नहीं तो देखो बेटा फॉरेन कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है या नहीं उसका पता करने के लिए आपको दो कंडीशन देखनी है पहली कंडीशन ये कि यह बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए और एबीआई टेस्ट फुलफिल होने के लिए आपको चार कंडीशन देखनी पड़ेगी पहली कंडीशन उसकी पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन फिफ्टी ऑफ टोटल इनकम दूसरी कंडीशन उसकी जितनी टोटल असेट है उसमें से लेस देन फिफ्टी परसेंट इंडिया में होनी चाहिए उसके जितने एम्प्लॉय है उसमें से लेस देन फिफ्टी के रेजिडेंट होने चाहिए या फिर इंडिया में इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए और जो इंडियन एम्प्लॉई है कंपनी का टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर का लेस देन फिफ्टी परसेंट है वो इंडिया में पेरो इंडियन के लिए पेरोल एक्सपेंडिचर होना चाहिए अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसका एबीआई टेस्ट फुलफिल हो जाएगा तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर आप बार बार बोल रहे हो इनकम जो है वो पैसिव इनकम तो इनकम कौन से लॉ के हिसाब से लेंगे

एवरेज एम्प्लॉय एवरेज एम्प्लॉय कैसे कि ईयर के स्टार्ट में कितने एम्प्लॉय थे और ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉय उसका आप एवरेज ले लो ईयर के स्टार्ट में कितने एम्प्लॉय थे और ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉय उसका आप एवरेज ले लो अब एक और चीज समझना अगर कोई ऐसे है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है

पोयम इंडिया में कब माना जाएगा या इंडिया के बाहर कब माना जाएगा तो देखो पोएम का गाइडलाइंस क्या बोलता है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा और इंडिया के बाहर पोयम है इसका मतलब यह हुआ कि वो कंपनी इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगी कब पहला पहलाटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए और दूसरा एबीआई टेस्ट होना चाहिए एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए अब क्वेश्चन ये आता है ये टेस्ट का मतलब क्या होता है चार कंडीशन पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन ऑफ टोटल इनकम टोटल असेट का लेस दे परसेंट इंडिया में होना चाहिए टोटल एम्प्लॉय का लेस देन फिफ्टी परसेंट इंडिया में होने चाहिए और रेजिडेंट

और नॉन एप्रिशिएबल अटेट के लिए आपको बुक वैल्यू है वो लेनी है अब एक और चीज समझना नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या ले लोगे एवरेज लोगे और जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल वगैरह होते हैं उनको भी आप नॉर्मली अपने एम्प्लॉय में काउंट करोगे और पेरोल एक्सपेंडिचर के लिए जितना वेजेस सैलरी वगैरह उन एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना खर्चा होता है वो सब तुम्हारे पेरोल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा अब एक और चीज समझना ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मैंने क्या बोला कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई दो कंडीशन पहला कौन सा मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाद दूसरा एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है अब एक बात समझना ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो पोयम इंडिया के बाहर वो कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी लेकिन एक चीज समझता अगर उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम नहीं करता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके पास डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एकदम ही क्या बोले निठल्ला है उसके पास पावर ही नहीं है कुछ डिसीजन लेने का जो क्रूशियल डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेता है वो तो कौन लेता है बताए इंडिया में बैठा कोई पर्सन ले रहा है या इंडिया की होल्डिंग कंपनी ले रही है मिस वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके पास पावर ही नहीं है डिसीजन लेने का और मेन जो डिसीजन है क्रूशियल डिसीजन है वो इंडिया में बैठे बैठे कोई बंदा ले रहा है या इंडिया का होल्डिंग कंपनी लेता है तो भले ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो भी उसका पोयम है वो इंडिया में माना जाएगा भले ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो भी उसका पोयम कहा माना जाएगा इंडिया में माना जाएगा लेकिन एक बात समझना फिर इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया कि 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 बहुत बार क्या होता है 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 वो 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 फॉरेन कंपनी कंपनी जो जो होती मान लो किसी दूसरी कंपनी की ग्रुप कंपनी है होल्डिंग कंपनी है वो मान लो इंडिया में है लेकिन क्या होता है बहुत बार सब्सिडरी कंपनी है वो क्या करती है पता है अपनी होल्डिंग कंपनी का कुछ फंक्शन है वो एज इट इज फॉलो करते हैं जैसे एचआर फंक्शन है या अकाउंटिंग फंक्शन है पेरोल फंक्शन है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क प्लेटफॉर्म है सप्लाई चेन फंक्शन है रूटिंग

जब भी आप ये डेटा लेते हो पोयम देखने के लिए करके ठीक है पोयम देखने के लिए जैसे इनकम आपको लेना पड़ेगा तो इनकम में जो भी आपका करंट ईयर का इनकम है वो लेना पड़ेगा तो ये जो डेटा आप लेते हो पोयम देखने के लिए ये डेटा आपको तीन साल का लेना पड़ेगा एक तो करंट ईयर का और एक पिछले दो साल का दो साल का और तीन साल का एवरेज लेना पड़ेगा मीन्स करंट ईयर का इनकम और पिछले दो साल का इनकम का एवरेज ले लो अब जब असेट में जब आप डेप्रिशिएबल असेट में एक तो करंट ईयर का एवरेज तो लोगों स्टार्टिंग और एंड में डब्ल्यू का एवरेज और पिछले दो साल का भी ऐसे करो फिर तीनों साल का आप एवरेज कर लो पेरो एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का एज वेल एज पिछले दो साल का आप एवरेज लोगे लेकिन वो कंपनी मान लो अगर मान लो तीन साल है ही नहीं कंपनी स्टार्ट ही लास्ट ईयर हुई थी तो लास्ट ईयर और करंट ईयर दो साल का एवरेज ले लो कंपनी अगर इसी साल पहला साल है यही पहला साल है तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ इसी साल का आप डेटा ले लो लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि सर आप जो ये डेटा बोल रहे हो कि आपको तीन साल का एवरेज लेना है तो तीन साल का जो आपको एवरेज लेना है वो आप कैसे लोगे बहुत बार क्या होता है हो सकता है कि वो कंपनी जो है वो कोई और अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है और आप कोई और अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हो जैसे इंडिया में हम प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं जो अप्रैल से लेके और मार्च तक होता है लेकिन मान लो वो कंपनी सिंगापुर लॉ के हिसाब से और वो कंपनी वहां कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है तो वहां कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है तो कौन से कैलेंडर ईयर का डेटा लेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना इस प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर अपना जो भी प्रीवियस ईयर रहेगा इस प्रीवियस ईयर में उनका कौन सा कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो रहा है इस प्रीवियस ईयर में उनका कौन सा कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो रहा है वो वाला कैलेंडर ईयर और उसके पीछे के दो कैलेंडर ईयर उसका आपको एवरेज लेना

फिर असेसिंग ऑफिसर है वो चेक करेगा कि उस कंपनी का पोएम कहां पे है, वो असेसिंग चेक करेगा और असेसिंग ऑफिसर देखेगा दो चीजें देखेगा सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज उस कंपनी के क्रूशियल डिसीजन कौन ले रहा है पहले उन पर्सन को वो आइडेंटिफाई करेगा कि उस कंपनी के क्रूशियल डिसीजन कौन ले रहा है और दूसरा वो देखेगा कि वो डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं कौन ले रहा है और कहां से लिए जा रहे है? एक बात बताओ जहां से डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जहां वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो रहे हैं जहां वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो रहे 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 हैं 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 दैट इज जहां जहां से वो जहां से वो 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 डिसीजन डिसीजन किए जा जा लिए कंट्री है पोयम मानी जाएगी तो यहां पर देखा गया अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जैसे मान लो डिसीजन लेने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है तो अपने को देखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिसीजन कहां से ले रहे हैं अगर मान लो वो पावर है वो डेलीगेट कर रखा है किसी सीनियर मैनेजर को

और वन वन फाइव जे एच ये बोलती है दैट इज द ट्रांजिशन मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन कंपनी क्या अगर कोई फॉरेन कंपनी है सर फॉरेन कंपनी पहले वो नॉन रेजिडेंट थी लेकिन अगर मान लो पोयम की वजह से वो रेजिडेंट बन गई अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो पहले नॉन रेजिडेंट थी और पोयम की वजह से कैसे रहेगा? उसका, का हम क्या लेंगे? उसका अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो वो कैसे लेंगे एंड ऑल तो उसके लिए ट्रांजिशन तो पड़ेगा और वो ट्रांजिशन मैकेन वन फाइव जे एच में दे रखा है और वन वन फाइव जे एच ये बोलती है कि भैया अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है जो पहले नॉन रेजिडेंट थी लेकिन की वजह से पहली बार अगर वो इंडिया की रेजिडेंट बन जाती है तो हम उसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन है वो के करेंगे, और, वो और उसको के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकालाफिकेशन डेटे ट्वेंटी और नोटिफिकेशन नंबर नोटिफिकेशन बोलता है कि भैया अगर कोई कंपनी है जो पहले नॉन रेजिडेंट थी फॉरन कंपनी लेकिन अब पोयम की वजह से वो रेजिडेंट बन गई तो अब उसका आप ओपनिंग डब्ल्यू वगैरह कैसे लोगे अब एक और चीज समझना ये नोटिफिकेशन फर्स्ट अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल है करके ठीक है अब यहाँ पे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सिंगापुर बेस कोई कंपनी थी जो पहले नॉन रेजिडेंट थी और इस साल में दैट इज प्रीवियस ईयर ट्वेंटी में वो मान लो पोएम रेजिडेंट बन गई हम यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू इस नोटिफिकेशन को समझेंगे कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम था मान लो सिंगापुरियन कंपनी करके वहां की सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी जिसको मैं एफ को बोल सकता हूं फॉरेन कंपनी एफ को एक कंपनी थी जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है वो पहले नॉन रेजिडेंट थी और इस साल में प्रीवियस ईयर ट्वेंटी में अगर वो रेजिडेंट बन गई तो क्या होगा कैसे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि सर अगर मान लो प्रीवियस ईयर 2021 में वो रेजिडेंट बन गई तो सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अप्रैल 2020 को अपने को ओपनिंग चाहिए तो अपन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कौन सा ले हम जो है वो ओपनिंग डब्ल्यू कौन सा ले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो सिंगापुरियन कंपनी है जो एफ कंपनी है वो क्या सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से एस है या नहीं सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से वो एस है या नहीं अगर वो सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से है, तो जो सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से फर्स्ट अप्रैल 2020 का जो डब्ल्यू है वो आज इट इज आप इंडिया में ले लो मैंने क्या बोला सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो जो कंपनी है वो कंपनी वो सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से एस है या नहीं तो अगर सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से टैक्स एस है तो सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से जो फर्स्ट अप्रैल टू का डब्ल्यू है वो आज इट इज ऑफ इंडिया में ले लो लेकिन अगर मान लो सिंगापुरियन लॉ के हिसाब से टैक्स एस वहां की नहीं है करके ठीक है वहां की वो टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो उस केस में आप एक काम करो कि जो सिंगापुरियन लॉ है सिंगापुरियन जो वहां का जो कंपनी लॉ रहेगा उसके हिसाब से बुक वैल्यू जो है वो एज इट इज आप इंडिया का डब्ल्यूडीवी बना दो मीनस बुक वैल्यू के हिसाब से जो भी डब्ल्यू है वो आप इंडिया में एज इट इज ले लो करके ठीक है अब एक चीज समझना डब्लू आपको लेनी है वो को लेस करने के लिए अगर मान लो फॉरेन का टैक्स लॉ वगैरह लेस नहीं करता है, तो आपको लेस करने के बाद डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी और वो डब्ल्यूडीवी इंडिया में आपको लेनी पड़ेगी तो बड़ा सिंपल है करके ठीक है देखो बड़ी सिंपल है सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि भैया अपन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसे लेंगे फर्स्ट अप्रैल जाती है तो को अप्रैल 2020 को अगर वो फॉरसी है या नहीं अगर है तो उस में के हिसाब से ले लो. अगर वो नहीं है, तो वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो डब्लू है वो एज इट इज इंडिया में आप डब्ल्यूडीवी ले लो अब क्वेश्चन लॉस और अनएब्जॉर्ब एप्रीसिएशन का क्या करेंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेजॉर्ब एप्रीसिएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो जो भी तुम्हारा ब्रॉड

लेकिन अगर वो टैक्स लॉ के हिसाब से वहां की रेजिडेंट नहीं है तो आप एक काम करो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आप कब -कब का। एक काम करो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से फर्स्ट अप्रैल टू अप्रैल 2020 के हिसाब से वहां के टैक्स लॉ के हिसाब से हिसाब से जो भी अनिशिएशन है और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है वो हम ले लेंगे लेकिन सर एक बात बताओ सर कितने साल के लिए इंडिया में कैरी फॉरवर्ड करेंगे मिस रिमेनिंग पीरियड के लिए या फिर हम उसको फ्रेश एट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे जैसे बिजनेस के लॉस एंड ऑल तो फ्रेश एट मिलेगा या फिर हमको रिमेनिंग वाला पीरियड मिलेगा राइट आंसर इज आपको रिमेनिंग वाला पीरियड मिलेगा मींस रिमेनिंग पीरियड के लिए आप इंडिया में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लेकिन सर रिमेनिंग पीरियड निकालेंगे कैसे ऐसा भी तो हो सकता है सर वहां पे अगर कोई और अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है और यहां पर अपना प्रीवियस ईयर फॉलो होता है तो एक चीज समझना ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन आप यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेने के लिए एज वेल एज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है और अनएब्जॉर्ब एप्रिशिएशन ये लेने के लिए आप एक काम करो पहले आप उस कंपनी का अकाउंट बनाओ कब से कब तक पता है जो अपना ये प्रीवियस ईयर 2021 है ये चालू कब हुआ था फर्स्ट अप्रैल 2020 उसके पहले वाली डेट कौन सी थी थर्टी मार्च 2020 इससे पहले मीन थर्टी मार्च 2020 थाउजेंड थर्टी मार्च 2020 उस डेट से पहले वहां पे जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है वहां से लेके और 31 मार्च 2020 तक आप अपने अकाउंट्स बना दो मैंने क्या बोला कि भैया प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया की रेजिडेंट बनी तो फर्स्ट अप्रैल 2020 आया उसका पहले वाला डेट थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 से से पहले वहाँ पे जो भी स्टार्ट हुआ था, उसके स्टार्टिंग, जो भी भी ईयर 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 स्टार्ट स्टार्ट हुआ हुआ था था उसके स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेके और 31 मार्च 2020 तक आप एक काम करो अपने कौन सा कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो मैं बोलू आप फर्स्ट जनवरी 2020 स्टार्ट हुआ होगा तो फर्स्ट जनवरी 2020 से लेकर और 31 मार्च 2020 तक आप एक काम करो ये तीन महीने का अकाउंट बनाओ ये तीन महीने का आपको अकाउंट है वो तीन महीने का अकाउंट उस फॉरेन कंपनी का बनाना पड़ेगा और वो तीन महीने का अकाउंट बनाने के बाद जो भी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी को डब्ल्यू टीवी या फिर अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस और अब आगे वाले हर साल प्रीवियस ईयर के लिए भी आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे जब वो रेजिडेंट बन गई तो आपको प्रीवियस ईयर के लिए अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा अब एक और चीज समझना आप बोल रहे हो कि सर ये थ्री मंथ के लिए हम अकाउंट बनाएंगे लेकिन आप सर ये भी तो बोल रहे हो कि भैया आप रिमेनिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे जो लॉसेज है मान लो फाइव इयर्स हो गए थे तो आप रिमेनिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये कैरी फॉरवर्ड के लिए आप पीरियड कैसे निकालोगे रिमेनिंग पीरियड एंड ऑल तो जैसे फॉर एन एक्साम्पल अब एक चीज समझना यहां पर लॉमेकर्स ये बोलते हैं कितने रिमेनिंग ईयर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सर वो ईयर कैसे काउंट होगा हो सकता है हम तो प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं वहां पे वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे तो यहां पे आपको क्या करना है कि कि अगर लॉसेस और के लिए आपको ये 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 देखना है भैया जो ये आप अकाउंट बनाते हो पीरियड पीरियड पर्टिकुलर मंथ या उससे ज्यादा का है तो, तो आप उसको एक अकाउंटिंग ईयर मानोगे अगर ये पीरियड सिक्स मंथ या उससे ज्यादा का है तो उसको आप एक अकाउंटिंग ईयर मानोगे लेकिन सिक्स मंथ से कम है तो आप उसको पिछले वाले अकाउंटिंग ईयर में मर्ज कर दोगे अगर मान लो सिक्स मंथ से कम है तो आप उसको पिछले वाले अकाउंटिंग ईयर में मर्ज कर दोगे तो एक बात बताओ मुझे यहां पे

अब एक और चीज समझता जब भी आपका पोयम रेजिडेंट कंपनी बनती है अगर कोई कंपनी है वो पोयम रेजिडेंट बनती है तो अब एक बात समझना जो लॉसेस और अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएशन आपको मिल रहा है वो लॉसेस और अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएशन आप सिर्फ उसी इनकम से सेट ऑफ करोगे

में आपको सेटअप आप करने को मिलेंगे वो फॉरेन वाले लेकिन वो सिर्फ उसी इनकम के सामने कर सकते हो जो इनकम अब टैक्सेबल हो रही है पोयम बेसिस। पोयम बेसिस। अब एक और के कुछ ऐसे प्रोविजन है, जो पे भी लगते है, और अगर है तो भी लगते है। जैसे बहुत सारी क्या होती है रॉयल्टी आप पेमेंट करते हो तो रॉयल्टी अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो वन जे लगता है बट अगर आप मान लो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो सपोज वन लगता है तो अगर मान लो कुछ टीडीएस टॉपिक के ऐसे प्रोविजन है जो फॉरन कंपनी पे भी लगते हैं और रेजिडेंट भी लगते हैं तो

जैसे फॉरेन में इनकम है एक करोड़ है ठीक है और वो फॉरेन की इनकम जो है वो एक करोड़ है और वो फॉरेन की इनकम जो है वहां एक ही साल में टैक्स भरा है लेकिन इंडिया में वो दो अलग अलग ईयर में इंक्लूड हो रही है तो जो क्रेडिट मिलेगा वो भी प्रपोर्शनेटली बेसिस कब -कब, इंक्लूड हो रही है ट्रांजेक्शन रूल रूल प्रोविजन की वो वाली इनकम पे नहीं लगेगा जो इनकम ऐसे भी आपकी टैक्सेबल होती है मतलब जो इनकम है वो ऐसे भी आपकी जो टैक्सेबल होती थी इंडिया में करके ठीक है अगर आप नॉन रेजिडेंट थे तो भी टैक्सेबल होती थी बन गए तो भी टैक्सेबल होती है तो उस वाली इनकम पे नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना अगर एक बार आप रेजिडेंट बन गए इंडिया के और अगले साल वापस आप रेजिडेंट बन गए रेजिडेंट तो भैया ये नोटिफिकेशन कंटिन्यू करेगा मीस जो भी आपने WDV निकाली होगी वो ओपनिंग डब्ल्यूडी होगी फिर उसके बाद क्लोजिंग क्लोजिंग आएगी आएगी तो जो क्लोजिंग आएगी, वो अगले साल की फिर क्या बन जाएगी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगी अब आपके जो कोई दूसरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मतलब आप जो फॉरन कंपनी किसी और के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है वो ट्रांजेक्शन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा अब एक और चीज समझना इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरन कंपनी पे लगते हैं तो क्या इस फॉरन कंपनी पे ये फॉरन कंपनी है यानी आंसर इज़ फॉरन कंपनी बीइंग रेजिडेंट हो गई करके ठीक है अब एक बात बताओ है तो फॉरन कंपनी रेजिडेंट बन गई तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लग रहा है तो कोई प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरन कंपनी पे लगते हैं वो क्या इस पर लगेंगे या नहीं लगेंगे आंसर इज़ लगेंगे कोई प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पे लगते हैं क्या इस पे लगेंगे आंसर इज ना बाबा ना नहीं लगेगा क्योंकि फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन गई है और तीसरी चीज अगर कोई प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेजिडेंट पे लगते हैं तो उस पर लगेंगे या नहीं लगेंगे आंसर इज यस लगेंगे तो देखो मैंने क्या बोला अगर कोई प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरन कंपनी पे लगते हैं वो इस पर लगेंगे सिर्फ नॉन रेजिडेंट पे लगते हैं वो नहीं लगते लगेंगे और सिर्फ रेजिडेंट पे लगते हैं वो लगेंगे अब एक और चीज समझना सर टैक्स रेट कौन सी लगेगी

हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम अब एक बात समझना हम चालू करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सबसे पहले अपने को ये देखना है दो तरह की इनकम होती होती है है एक इंडियन इनकम एक होती है फॉरेन इनकम अब एक चीज समझना इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम इंडियन इनकम किसको बोलते हैं ऐसी इनकम जो इंडिया में या तो अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है इंडिया में अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है या इंडिया में डीम टू भी अक्रूड हुई है डीम टू भी रिसीव हुई है तो उसको अपन इंडियन इनकम बोलेंगे और बा, बाकी जितनी भी इनकम है उसको अपन फॉरेन इनकम बोलेंगे तो मैं बताऊं फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे जो इंडियन इनकम नहीं है या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंडिया के बाहर अक्रूड हुई है और इंडिया के बाहर रिसीव हुई है उसको अपन फॉरेन इनकम बोलेंगे अब एक चीज समझना कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है तो समझने की कोशिश करना जो इंडियन इनकम होती है ना जो इंडिया में अक्रूड होती है या इंडिया में रिसीव होती है वो आर एन ओ आर के लिए भी टैक्सेबल है आर बट ओ आर के लिए भी टैक्सेबल है और एनआर के लिए भी टैक्सेबल है इसका मतलब वो तीनों के लिए टैक्सेबल है करके ठीक है उसके बाद अगर कोई फॉरेन इनकम है बट वो फॉरेन इनकम है वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन वॉ सेटअप इन इंडिया मीन फॉरेन इनकम है मीन इंडिया के बाहर अक्रूड हो रही है बाहर रिसीव हो रही है बट दैट बिजनेस वॉज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया तो वो उस केस में आर एन ओ आर के लिए टैक्सेबल है आर बट ओ आर के लिए टैक्सेबल है बट एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है और अदर फॉरेन इनकम होती है वो सिर्फ आर ओ आर के लिए टैक्सेबल होती है आर बट ओ आर के लिए नहीं होती और एनआर के लिए भी नहीं होती अभी तक आपको नहीं समझा अब आपको समझेगा एक चीज समझना जो आपका आर एंड होता है उसके लिए देखो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है R के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है इंडिया की भी इनकम टैक्सेबल है और और फॉरेन फॉरेन की 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 भी सब टैक्सेबल टैक्सेबल है है के लिए सिर्फ इंडिया इनकम वही वाली टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है और एनआर के लिए देखो सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है अब एक चीज समझना इंडिविजुअल एच यूएफ में होता है बाकी में तो क्या होता है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट तो अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट होता है तो उसके लिए देखो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है और अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए सिर्फ

कि अगर इंडिया के बाहर कोई आपको इनकम पहले मिली थी आज से 10 साल पहले कुछ इनकम हुई थी और वो पास्ट पास प्रॉफिट है उस पे पहले टैक्स नहीं लगा अब हो सकता है पहले टैक्स क्यों, क्यों नहीं लगा हो ड्यू टू एनी मेनी रीजन हो सकता है ठीक है अब उस इनकम को अगर आप इंडिया में रिपेट्रिएट कर देते हो तो क्या इंडिया में वो टैक्सेबल हो जाएगी आंसर इज नो अल्टीमेटली इनकम उस ईयर में टैक्सेबल होती है जिस ईयर की वो इनकम होती है तो जिस ईयर की वो इनकम थी वो उस ईयर में टैक्सेबल हो गई होगी अभी आपको उसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है तो अगर मान लो पान Past करना है सेक्शन सेवन है वो सेवन बोलती है कि भैया कुछ इनकम ऐसी होती है जो डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मानी जाएगी भले आपको रिसीव नहीं हुई है तो भी वो डीम टू बी रिसिव इन इंडिया मानी जाएगी सबसे पहले अगर आपके एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो ट्वेल्व से ज्यादा का अगर आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यून किया

अब एक चीज समझता है एक सेक्शन होती है नाइन और सेक्शन नाइन बोलती है दैट इज द इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया कुछ इनकम ऐसी है जो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी मतलब ऐसा लगेगा कि ये इंडिया में अक्रूड नहीं हुई है बट वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी सर कौन कौन सी उसके लिए सबसे पहला अपन पढ़ते हैं सेक्शन नाइन वन वन और नाइन वन वन का पहला पार्ट ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया के बाहर है उसको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से इनकम होती है कोई नॉन रेजिडेंट जो इंडिया के बाहर है उसको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से इनकम होती है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी लेकिन बिजनेस कनेक्शन कब बनेगा तो मैं बता दू तो कोई नॉन रेजिडेंट है उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन तब बनेगा जब इंडिया में अगर मान लो उसने किसी पर्सन को एम्प्लॉय किया है मीन इंडिया में उसके बिहार पे कोई एजेंट है जो क्या करता है हैबिचुअली उसके बिहार पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडिया में जो पर्सन है वो क्या करता है उस नॉन रेजिडेंट के बिहार पे यहां पे गुड्स को मेंटेन करता है स्टॉक करता है और उसके कहे अनुसार उसका डिलीवरी करता है या फिर नॉन रेजिडेंट के बिहार पे इंडिया में होली और मेनली उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है तो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा एक एग्जाम्पल लेता हूं

होली ऑर्डर सिक्योर करता 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 है 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 तो हैरी लिमिटेड का का इंडिया में में बिजनेस बिजनेस कनेक्शन कनेक्शन माना माना जाएगा लेकिन माना जाएगा लेकिन तभी ये ये जो एक्टिविटी एक्टिविटी से कोई भी हैबिचुअली हैबिचुअली है। मतलब होता है लगातार सिर्फ एक दो बार किया तब नहीं अगर लगातार जो बंदा है in मुखिया ये क्या करता है हैरी लिमिटेड के लिए मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है लेकिन क्या करता है कभी कभी वो है ना ओबामा लिमिटेड के लिए भी ऑर्डर सिक्योर कर लेता है ओबामा लिमिटेड इज आल्सो वन नॉन रेजिडेंट

इंडिपेंडेंट एजेंट है. है वो 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 प्योर एजेंट एजेंट नहीं है है इंडिपेंडेंट सबके लिए काम करता है सब के लिए ऑर्डर वगैरह सिक्योर करता है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा हमेशा डिपेंडेंट एजेंट होगा तो ही बिजनेस कनेक्शन बनेगा अगर इंडिपेंडेंट एजेंट है तो उस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाता है तो उस में क्या

ये इनकम जो है ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी और इंडिया में उस पर टैक्स लगेगा कौन कौन सी इनकम अगर मान लो नॉन रेजिडेंट को नॉन रेजिडेंट क्या करता है कोई एडवर्टाइजमेंट सेल करता है नॉन रेजिडेंट को एडवर्टाइजमेंट सेल करने से पैसा मिलता है और वो नॉन रेजिडेंट जो एडवर्टाइजमेंट सेल कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट इंडिया में रेजिडेंट पर्सन है उसको टारगेट करता है या या वो वो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सेस एक्सेस है 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 इंडिया के आईपी एड्रेस से किया जाता फिर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट डेटा सेल करता और डेटा सेल करता है और वो डेटा कलेक्ट किया था इंडियन रेजिडेंट पर्सन से या इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके वो डेटा कलेक्ट किया था या फिर कोई भी गुड सेल करता है या सर्विस करता है और वो गुड्स सेल या सर्विस कर रहा है वो उस डेटा को यूज करके कर रहा है जो इंडिया के रेजिडेंट पर्सन से

अभी आपके लिए नहीं है, ये बाईस लिए जब इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा मीन चार पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा सबसे पहला अगर मान लो इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपॉइंट किया और वो इंडिया में क्या कर रहा है सिर्फ गुड्स को परचेस कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे हैरी लिमिटेड ने इंडिया में मुखिया को अपॉइंट किया और मुखिया क्या करता है गुड्स को परचेज करता है इंडिया से और वो एक्सपोर्ट के लिए करता है तो दूसरा अगर मान लो इंडिया में सिर्फ न्यूज का या व्यूज का कलेक्शन होता है और वो वो ट्रांसमिट इंडिया इंडिया के बाहर होता है 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 में कोई भी पर्सन क्या करता करता न्यूज या व्यूज को कलेक्ट करता है और उसको इंडिया के बाहर ट्रांसमिट करता है तो उस केस में यहां बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा तीसरा अगर इंडिया में मूवी का शूटिंग होता है और मूवी शूटिंग के लिए अगर इंडिया में आते हैं तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा अब एक चीज समझना वो पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए अगर वो कंपनी है तो उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन होने चाहिए वो अगर पार्टनरशिप पार्टनरशिफॉर्म है तो उसके जितने भी पार्टनर है वो नॉन नॉन होने चाहिए। अब एक और चीज समझना, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी क्या करती है जो माइनिंग बिजनेस में वगैरह है डायमंड के और फॉरेन कंपनी क्या करती है इंडिया में अगर अनकट या अन डायमंड का सिर्फ डिस्प्ले एक्टिविटी करती है इन द स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन में स्पेसिफाइड जोन में अब एक चीज समझना मैंने क्या बोला अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी इंडिया में क्या करती है स्पेसिफाइड जोन जोन में जो स्पेशल होते हैं गवर्नमेंट के नोटिफाइड वहां सिर्फ अनकट या डायमंड है है उसका डिस्प्ले एक्टिविटी करती है, तो उस केस में वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा और इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगा अब एक और चीज समझना यहां पे सेक्शन नाइन का सब उसका सेकंड पार्ट यह बोलता है कि अगर मान लो आपको इनकम होती है वो कोई भी प्रॉपर्टी से होती है कोई भी असेट से होती है कोई भी सोर्स से होती है जो इंडिया में लोकेटेड है तो उस केस में भी वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा आई कैन टेक अ एक्साम्पल के मान लो ऑस्ट्रेलियन क्र क्रिकेटर है जिसका नाम है रिकी पॉन्टिंग रिकी पॉन्टिंग के पास मुंबई में एक फ्लैट है और फ्लैट से रेंटल इनकम जो हो रही है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे असेट जो लोकेटेड है वो इंडिया में है और उससे कोई भी इनकम होती है तो डीम टू भी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है अब एक चीज समझना पॉइंट नंबर थर्ड ये बोलता है इंडिया में लोकेटेड असट अगर आप बेच देते हो भले वो इंडिया के बाहर बेचते हो इंडिया में लोकेटेड असेट अगर आप बेच देते हो कैपिटल असेट है जो इंडिया में है और उसको अगर आप बेच देते हो, भले इंडिया के बाहर हो कंसिडरेशन बाहर मिला रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट का बाहर तो भी वो डीम टू भी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा आई कैन टेक वन एग्जाम्पल के जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी पॉन्टिंग है उसके पास मुंबई में घर है वो मुंबई वाला घर क्या करता है वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में ब्रेटली को बेच देता है दस करोड़ में और उसका अग्रीमेंट भी बाहरी साइन होता है कंसिडरेशन भी बाहरी साइन होता है तो भी क्या इंडिया में टैक्स लगेगा आंसर इज यस इंडिया में टैक्स लगेगा बिकॉज दैट प्रॉपर्टी वॉज लोकेटेड इन इंडिया अब एक चीज समझना है कंसेप्ट आता है दैट इज द वोडाफोन का केस लो अब ये वोडाफोन का केस लो क्या बोलता है समझने की कोशिश करना हुआ क्या था वोडाफोन के केस लो में इंडिया की एक कंपनी थी जिसका नाम था हचेसन एसआर लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी थी जो पहले हच ऑरेंज करके चलता था आपको याद रहेगा आप छोटे थे तब आपने सुना होगा वो हच की एक एड आती थी एंड ऑल तो हच ऑरेंज जो है वो इंडिया में चलता था एक कंपनी थी इंडिया की दैट इज हचेसन एसआर लिमिटेड अब एक बात समझना हचेसन एसआर लिमिटेड है ये इंडिया का कंपनी था और इसका एक होल्डिंग कंपनी इन्होंने बनाया था दैट इज सीजीपी लिमिटेड जो कि मॉरिसस में था

किना था अब एक चीज समझना होता क्या अगर ये सीजीपी जो है सीजीपी के पास में किसके हज के, के शेयर थे अगर सीजीपी इसके शेयर अगर वोडाफोन को बेच देती करके सीजीपी बेच देती तो तो उस केस में इंडिया में टैक्स लग जाता बिकॉज़ इंडियन कंपनी के शेयर आपने बेचे हैं लेकिन इन्होंने कैसे प्लानिंग किया पता है कि ये हांगकांग का कंपनी क्या करता है मॉरिशियस की कंपनी के शेयर है वो नीदरलैंड की वोडाफोन को बेच देता है मिस यहाँ पे एक हांगकांग का कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है सीजीपी मॉरिशस वो भी फॉरेन कंपनी है और वोडाफोन इंटरनेशनल को बेच देता है अब एक बात समझना सीजीपी जो जो के शेयर पहले किसके पास थे वोडाफोन के, के पास में चले गए तो वोडाफोन का कंट्रोल सीजीपी पे आ गया और सीजीपी के थ्रू उसका कंट्रोल इंडिया की एसआर पे आ गया अब इन्होंने इस पे कोई टैक्स भरा ही नहीं ये बोलते हैं इंडिया में टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर हमने थोड़ी बेचे हमने तो किसी फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे हैं तो जब ऐसा किया तो मुंबई का एक असेसिंग ऑफिसर था उसने क्या किया वोडाफोन को नोटिस भेज दिया नोटिस वोडाफोन को भेजा और वोडाफोन को नोटिस भेज के उसने बोला कि आपने जो सीजीपी के शेयर खरीदे हैं हचिसन टेलीकम्युनिकेशन हांगकांग से तो आपने सीजीपी के शेयर खरीदे हैं वो कैपिटल गेन हचिसन के हाथ में टैक्सेबल होगा आपने उसका टीडीएस नहीं काटा है। और जब टीडीएस नहीं काटा है तो मैं आपको असिस्टियन डिफॉल्ट बनाता हूं एज पर सेक्शन टू और भैया आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इंडिया में वोडाफोन को नोटिस भेजा वोडाफोन ने इसको चैलेंज किया कि भैया जब सीजीपी के शेयर खरीदे हैं तो सीजीपी के शेयर खरीदे हैं हमको उस को इंडिया में कोई टैक्स ही नहीं लगता और जब टैक्स ही नहीं लगता तो इसलिए हमने टीडीएस नहीं काटा है अब इसको लेके ये बॉम्बे हाईकोर्ट में चले गए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया पता जजमेंट दिया डिपार्टमेंट के फेवर में और डिपार्टमेंट के फेवर में दिया कि आप फॉरेन कंपनी के शेयर बेच रहे हो यह बात सही है बट आप फॉरेन कंपनी के थ्रू इंडियन कंपनी का असेट बेच रहे हो आप इंडिया की असेट बेच रहे हो इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल बेच रहे हो तो इस पर इंडिया में टैक्स लगेगा ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उस जजमेंट को मतलब पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वोडाफोन के फेवर में और वोडाफोन को बोला कि भैया इस पर टैक्स नहीं लगेगा जब इस ट्रांजेक्शन पे इंडिया में टैक्स लग ही नहीं रहा है तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वोडाफोन के फेवर में आया प्रणब मुखर्जी द फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लॉ को चेंज कर दिया 2012 में और लॉ को चेंज करके बोला कि नहीं अब इस पे टैक्स लगेगा और इस पे टैक्स कैसे लगाया उन्होंने लॉ में तीन अमेंडमेंट किए सबसे पहला अमेंडमेंट जो कैपिटल असेट की डेफिनेशन टू में दे रखी है उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाली ट्रांसफर की डेफिनेशन के नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाली और सेक्शन

और ट्रांसफर में एक एक्सप्लेनेशन डाली कि अगर फॉरेन कंपनी के शेयर बिक जाते हैं फॉरेन कंपनी के शेयर बिक जाते हैं और फॉरेन कंपनी के शेयर बेचने से अगर इंडियन कंपनी में राइट right या कंट्रोल मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाता है तो उसके इसमें यह ट्रांसफर माना जाएगा और जब यह ट्रांसफर माना जाएगा तो इंडिया में कैपिटल गेन लग जाएगा उसके बाद उन्होंने सेक्शन नाइन डाला और सेक्शन नाइन में एक अमेंडमेंट किया नाइन की एक्सप्लेनेशन डाली और नाइन की एक्सप्लेनेशन में ये लिखा कि अगर कोई भी फॉरेन की कंपनी है वो फॉरेन की कंपनी के शेयर जो है अगर फॉरेन की कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं इंडियन असैट से तो फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे और अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे तो भी इंडिया में टैक्स लगेगा तो देखो सेक्शन नाइन में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव डाली है वो क्या बोलती है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है दैट इज द सीजीपी मॉरिशियस इज अ फॉरन कंपनी अगर फॉरेन कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं अगर इंडियन से तो फॉरेन कंपनी के शेयर है वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे और अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे तो उस पर भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर आप बोल रहे हो कि सीजीपी के शेयर है वो अपनी वैल्यू इंडियन असेट्स से डिराइव करते हैं तो वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे लेकिन ऐसा कब माना जाएगा ऐसा कब माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी के शेयर है वो इंडिया से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं इंडियन असैट से फॉरेन कंपनी के शेयर है वो इंडियन अट से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं ये कब माना जाएगा तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन नंबर बोलती है दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन ये कि फॉरेन कंपनी के पास जो इंडियन असेट है वो टेन करोड़ से ज्यादा होना चाहिए करके ठीक है जो फॉरन कंपनी के पास जो इंडियन असेट है वो टेन करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन यह है कि फॉरन कंपनी की जो टोटल असेट है उसमें इंडियन असेट फिफ्टी और मोर होना चाहिए फॉरेन कंपनी की जो टोटल असेट है उसमें इंडियन असेट है वो फिफ्टी परसेंट और मोर होना चाहिए तो इधर देखो बेटा अगर ये सीजीपी है सीजीपी के शेयर है वो इंडिया में लोकेटेड कब माने जाएंगे जब ये शेयर इसकी वैल्यू डिराइव करते हैं इंडियन असेट से बट ये कब माना जाएगा सबसे पहले सीजीपी के पास इंडियन कंपनी की जो असेट है अटीन्स इंडियन कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो टेन करोड़ से ज्यादा है फर्स्ट कंडीशन और जो सीजीपी की टोटल असेट है उसमें इंडियन असेट फिफ्टी और मोर है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो यह माना जाएगा कि सीजीपी के, के शेयर है वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे और सीजीपी के शेयर बेचोगे तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा अब एक और चीज समझना है यहाँ पे सर आप बोल रहे हो कि यहां पे सीजीपी के शेयर है वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अगर फॉरेन कंपनी के पास इंडियन असेट है वो आपका टेन करोड़ से ज्यादा है और फॉरेन कंपनी की टोटल असेट है उसमें इंडियन असेट है वो फिफ्टी परसेंट और मोर है लेकिन असेट्स की वैल्यू कौन सी डेट को देखी जाएगी तो वैल्यू ऑफ असेट एक चीज समझना जब भी इंडियन असेट आप लोगे तो इंडियन असेट की वैल्यू लेते time, आपको एक रखना है विदाउट डिडक्टिंग द लाइबिलिटी लेकिन असेट की वैल्यू सर कौन सी डेट को लेनी है तो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो आप असेट को कौन सी डेट को लेनी है वैल्यूएशन डेट को लेनी है लेकिन वैल्यूएशन डेट कौन सी मानी जाएगी तो वैल्यूशन डेट का मतलब होता है यहां पे समझने कोशिश specified date. Specified date मतलब की कोशिश करना स्पेसिफाइड डेट शेयर बिके उसके पहले बैलेंस शीट की लास्ट डेट क्या थी वो वैल्यूशन डेट मानी जाएगी फॉर एन एक्साम्पल अगर मान लो सीजीपी के शेयर है वो मान लो नाइनटीन दिसंबर टू को बिके फॉर एन एक्साम्पल

कि भैया जिस दिन शेयर ट्रांसफर किए उससे पहले की जो बैलेंस शीट डेट की लास्ट डेट थी उसको वैल्यूएशन डेट मानेंगे उस डेट की वैल्यू आपको लेनी है लेकिन एक चीज समझना यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि शेयर की ट्रांसफर डेट है वो ट्रांसफर डेट वैल्यूएशन डेट बन जाएगी मीन 19 दिसंबर 2020 वैल्यूएशन डेट बन जाएगी कब अगर असेट का बुक वैल्यू है असेट का बुक वैल्यू है वो लास्ट बैलेंस शीट डेट की बुक वैल्यू से ट्रांसफर की डेट पे बुक वैल्यू है वो एटलीस्ट 15% या उससे ज्यादा है अगर असेट्स का जो बुक वैल्यू है बुक वैल्यू ऑफ द असेट लास्ट बैलेंस शीट डेट से ट्रांसफर की डेट पर अगर बुक वैल्यू 15 परसेंट या उससे ज्यादा है तो उस केस में जो ट्रांसफर की डेट है वो ही वैल्यूशन डेट बन जाएगी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं हुआ क्या लास्ट बैलेंस शीट डेट को फॉर एन एक्साम्पल यहां पर बुक वैल्यू ऑफ असेट हंड्रेड करोड़ था

अगर कोई पर्सन उस फॉरेन कंपनी के 5 परसेंट से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं रखता है अगर कोई पर्सन उस फॉरेन कंपनी का 5 परसेंट से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं रखता है और लास्ट के 12 मंथ में उसने कोई भी कंट्रोल और मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लिया है लास्ट के 12 मंथ में उसका कोई भी कंट्रोल और मैनेजमेंट में उसका पार्टिसिपेशन नहीं है तो उस केस में बेटा अगर फाइव या उससे कम वाला शेयर होल्डर है करके ठीक है तो उस पर टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा जैसे मैंने यहां पर एक्साम्पल लिया सीजीपी या सीजीपी के दो शेयर होल्डर है एक तो हचेसन इंटरनेशनल के पास, लो 97 है, ट्रंप के पास थ्री परसेंट है तो ट्रंप के पास में थ्री परसेंट है तो भैया एक बात बताओ ट्रंप अगर वो शेयर बेचेगा सीजीपी के तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा लेकिन 97 वाला है वो शेयर बेचेगा तो इंडिया में टैक्स लगेगा अब एक और चीज समझना

इंडिया में पूरे चौबीस हजार करोड़ पे टैक्स लगेगा आंसर इस नो प्रपोर्शनेटली लगेगा चौबीस हजार मल्टीप्लाई बाय इंडियन कितनी थी 4, करोड़ डिवाइड बाय 6,000 करोड़ तो सिक्सटीन करोड़ का प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन आता है उतना इंडिया में उस कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा अब एक और चीज समझना अगर कोई फॉरन कंपनी है वो अपने शेयर की वैल्यू इंडियन असट से डिराइव करती है तो उस केस में उसके शेयर बेचने से टैक्स जो कैपिटल गेन होगा उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा लेकिन क्या उसको डीडीटी वगैरह इंडिया में भरना पड़ेगा आंसर इज नो देर इज नो नीड टू पे डीडीटी एंड ऑल डीडीटी वगैरह उसको इंडिया में पे करने की जरूरत नहीं है यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस सो दिस इज ऑल अबाउट द वोडाफोन केस लो आपको जितना समझ में आया उतना ठीक है नहीं आया अगर पेपर नंबर सेवन के लिए तो भी चलेगा लेकिन पेपर नंबर सिक्स ही वाले हो अगर आपका इलेक्टिव है तो आपको समझना बड़ा ही जरूरी है करके ठीक है चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और लॉ मेकर बोलते हैं सेक्शन ये बोलती है है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन जिसने इंडिया में सर्विस रेंडर की थी और रिटायरमेंट के बाद भी अगर उसको कोई रेमुनरेशन या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं वो डीम टू तो बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा जैसे आई कैन टेक वन एग्जाम्पल सपोज एक, एक पर्सन है जिसका नाम है फॉर एन एग्जाम्पल जिसका नाम है मिस्टर सेम सेम ने क्या किया अपनी पूरी सर्विस इंडिया में की थी इंडिया में उसने जॉब किया था जॉब के बाद में वो श्रीलंका में जाके सेटल हो गया और श्रीलंका में बैठे बैठे उसको पेंशन वहां पर पे मिल रही है तो वो पेंशन डीम टू भी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी अब एक और चीज समझना अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है कोई भी जो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर काम करते हैं और उनको इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है नॉर्मली इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग जो कि यूएसए में एम्बेसी में काम कर रहे हैं जैसे यूएसए में मान लो इंडियन एम्बेसी है वहां पे काम कर रहे हैं तो उनको जो इंडियन गवर्नमेंट से सर्विस जो रेमुनरेशन मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लेकिन एक चीज समझना उनको जो परक्यूज और अलाउंसेस मिलते हैं वो एक्जेम होते हैं एज पर सेक्शन टेन सेवन एक और चीज समझना अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा अब एक चीज समझना एक सेक्शन होती है नाइन वन फाइव दैट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट अब यह सेक्शन

ज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है कोई भी पर्सन है उसको अगर गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया किसी रेजिडेंट पर्सन से इंटरेस्ट मिलता है वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया लेकिन एक चीज समझना वो रेजिडेंट पर्सन ने अगर इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा अगर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से इंटरेस्ट मिलता है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब वो नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में उस पैसे को लगाया है तो ही वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना

जो अपनी हेड ऑफिस हॉन्कांग वाली है उसको जो इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और इस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा करके ठीक है इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं कि जो पी .E. है और हेड ऑफिस है वो अलग अलग माने जाएंगे तो अगर पी .E. से हेड ऑफिस को इंटरेस्ट मिलता है तो वो अगर इंडिया से मिला है तो उस केस में ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इस एच एस के लिए माना जाएगा और हांगकांग को इस पर इंडिया पे टैक्स भरना पड़ेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना इंटरेस्ट के जैसे का जैसे एक कंसेप्ट आता है रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अब एक चीज समझना है रॉयल्टी और फीस रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर मान लो जैसे एक नॉन रेजिडेंट है जिसका नाम है ओबामा एक नॉन रेजिडेंट है जिसका नाम है ओबामा ओबामा ने क्या, किया मान लो कोई पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज डिजाइन फॉर्मूला या सम टेक्निकल सर्विस एंड ऑल वो गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट से अगर कोई भी पैसा मिल रहा है मिस रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या फिर ओबामा ने क्या किया किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया

रॉयल्टी एफ में क्या याद रखने की जरूरत है इधर देखो तो रॉयल्टी एफ में अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसने सर्विस दी किसको गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से अगर मान लो रॉयल्टी मिल रहा है in अगर किसी से मिल रहा है, in अगर लेकिन वो का इनकम कमाने के लिए सर्विस यूज की तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा अगर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से रॉयल्टी एफ मिलता है तो डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा अगर उस दूसरे नॉन रेजिडेंट ने उसको इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इंडिया के किसी सोर्स का इनकम

मेड बाय द रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट अगर कोई भी पैसा मनी गिफ्ट किया जाता है उसके अराइज इन इंडिया तो in माना जाएगा तो मैंने क्या बोला अगर ने किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर अगर मनी गिफ्ट किया जाता है फिफ्त जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन या उसके बाद में अक्रूड और अजिया माना जाएगा और नॉन रेजिडेंट के हाथ में फिफ्टी सिक्स टू टेन लग जाएगा अगर वो अपू फिफ्टी थाउजेंड है तो कोई दिक्कत नहीं फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो वो आपका फिफ्टी सिक्स टू टेन में आएफओस में टैक्सीबल हो जाएगा गा उसके बाद एक सेक्शन नाइन ए होती है दैट इज द एलिजिबल फंड मैनेजर अगर मान लो कोई भी फंड है दैट इज इन्वेस्टमेंट फंड

और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है किससे या तो इंडियन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से तो इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किया था और नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है और वो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स अगर इशू हुआ था सेवनटीन सेप्टेंबर टू से लेकर थर्टी मार्च टू के बीच में तो इंटरेस्ट है वो हमेशा एक्जेम है उस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी के हाथ में तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदा किससे खरीदा या तो इंडियन कंपनी ने इश्यू किया था बिजनेस ट्रस्ट ने इश्यू किया था आरडीबी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और भैया वो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्स इशू हुआ है वो 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में इशू हुआ है तो उसका जब भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पूरा एक्जेम्ट है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा अब एक और चीज समझना यहाँ पे एक अमेंडमेंट है दैट इज द स्पेसिफाइड फंड अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है वो स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम है जो पूरी एक्जेम्ट हो जाएगी अब आप मुझे बोलोगे स्पेसिफाइड फंड बोलते किसको है तो स्पेसिफाइड फंड मीन ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड जो आपके आईएफएससी में लोकेटेड होता है और जिसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री का उसके पास लाइसेंस होता है तो मैंने क्या बोला देखो बेटा स्पेसिफाइड फंड मीस ऐसा फंड जो कि एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट है इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट हो सकता है कंपनी हो सकता है एल हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है और पहली कंडीशन विच अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटेगरी थ्री ऑफ द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड विच इज लोकेटेड इन दफसी और उसके जितने भी यूनिट होल्डर है मैनेजर स्पॉन्सर मैनेजर को छोड़ के तो मेरी बात सुनो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन स्पेसिफाइड फंड किसको बोलेंगे तो मैं बताऊं स्पेसिफाइड फंड मतलब कोई भी ऐसा फंड जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आपका कैटेगरी थ्री वाला है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से भी रेगुलेशन के हिसाब से कैटेगरी वाला दूसरा कंडीशन यह है कि वो कहां पे लोकेटेड होना चाहिए आईएफएससी में में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और तीसरी कंडीशन यह है कि उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो क्या होने चाहिए नॉन रेजिडेंट होने चाहिए यूनिट होल्डर जितने भी होने चाहिए वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए स्पॉन्सर मैनेजर को छोड़ के अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको अपन स्पेसिफाइड फंड बोलेंगे और स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम इंडिया में है

कैपिटल गेन में जो फोर्टी सेवन का क्लॉज नंबर सेवन ए बी है उसमें कुछ असेट दे रखी है क्या क्या एक तो तुम्हारा रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी या बॉन्ड्स या जी डी आर ऑफ द इंडियन कंपनी डेरिवेटिव करके ठीक है तो ऐसी कुछ वहां पे असेट दे रखी है तो वो असेट अगर ये स्पेसिफाइड फंड ट्रांसफर कर देता है आई एफ एससी में लोकेटेड रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में और कंसिडरेशन अगर फॉरन करेंसी में मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा दूसरा अगर उसको कैपिटल गेन होता है किसको स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी कोई भी सिक्योरिटी बेचता है कहीं पे भी बट अदर देन शेयर्स ऑफ द कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया अगर इंडियन रेजिडेंट कंपनी को छोड़ के मैं ऐसा मैं बोल दूं कि इंडियन कंपनी को छोड़ के बाकी किसी कंपनी का कोई भी सिक्योरिटी अगर वो बेचता है तो उस पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तीसरा अगर उसको कोई इनकम होता है इनकम का मतलब डिविडेंट है इंटरेस्ट है वो सब इनकम होता है फ्रॉम सिक्योरिटी इशूड बाय नॉन रेजिडेंट अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने कोई सिक्योरिटी इशू किया था उस पर कोई इनकम होता है तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं ेगा बट नॉट बींग पी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया अगर कोई नॉन रेजिडेंट का पी इंडिया in में है और वो पी सिक्योरिटी इश्यू करता है और वो सिक्योरिटी पे, तो पे को, इनकम होता है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा और लास्ट में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इनकम होता है जो कि पीजीबीपी में चार्जेबल है अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इसको इनकम होता है जो कि पीजीबीपी हेड में चार्जेबल है तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मैंने आपको क्या बोला स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम होती है। अब आप मुझे बोलोगे स्पेसिफाइड फंड क्या होता है यूनिट होल्डर सब नॉन रेजिडेंट होने चाहिए स्पॉन्सर मैनेजर को छोड़ के अब एक चीज समझना यहाँ पे अगर वो स्पेसिफाइड फंड को कुछ चार तरह की इनकम है जिसपे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा पहला अगर उनको कैपिटल गेन होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी जो की मेंशन है वो मेंशन है अंडर सेक्शन फोर्टी सेवन क्लॉस सेवन ए बी वाले वो

चीज समझना एक सेक्शन होती है टेंस टेंस क्लॉज नंबर फिफ्टीन और सब क्लॉज नाइन ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने आईएफएससी में लोकेटेड कोई यूनिट है उसको लोन दिया

और ये जो है वो नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है ध्यान रखना अब मैं जो बात करूंगा ये जो सेक्शन टेन सिक्स की बात करूंगा ये नॉन रेजिडेंट नहीं बोला गया ये सिर्फ नॉन सिटीजन बोलेगा अब एक बात समझना होता क्या है कि आपको पता है इंडिया में बहुत सारी फॉरेन एम्बेसी है तो इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसी है जैसे मुंबई में यूएस एम्बेसी है अब वो मुंबई में जो यूएस एम्बेसी है उसमें अगर मान लो फॉरेन डिप्लोमेट्स काम करते हैं या जो फॉरेन के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इंडिया में काम कर रहे थे टैक्स नहीं लगेगा वो पूरा एक्जेंट हो जाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पहली कंडीशन उस पर्टिकुलर कंट्री में जो हमारे ऑफिसर है ना उनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो भी एक्जेंट होना चाहिए उस कंट्री के लॉ के हिसाब से दैट इज द फर्स्ट कंडीशन

एंटरप्राइज है वो फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है लेकिन वो इंडिया में आता है फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय जो इंडिया में आता है और इंडिया में उसका स्टे 90 डेज से ज्यादा नहीं है इंडिया में उसका स्टे 90 डेज से ज्यादा नहीं है उस फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं नहीं है है और उसको जो मिला है, उसका इंडिया में में या कहीं पे भी इनकम टैक्स एक्ट इसका डिडक्शन लिया अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो वो फॉरन कंपनी का एम्प्लॉय है वो इंडिया में आया था उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम हो जाएगा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप समझने की कोशिश करना एक फॉरेन कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट वॉलमार्ट का अभी तक इंडिया में कोई अस्तित्व नहीं है अब वॉलमार्ट ने क्या किया यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने क्या किया अपने दो एम्प्लॉय को इंडिया भेजा और उनको बोला कि आप एक काम करो इंडिया में आर करके आओ और आप देख के आओ कि ये रिटेल बिजनेस कैसे चलता है आप बिग बाजार का दौरा करो एज वेल एज द आप बहुत सारे जो डी वगैरह है उसको देख के आओ तो दो एम्प्लॉय इंडिया आए और वो फिफ्टी 50, डेज 50, के लिए इंडिया में रहे मीस नाइन्टी डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब उनको सैलरी भी मिला करके ठीक है अब क्वेश्चन ये आता है जब सैलरी इंडिया में वो काम कर रहे हैं तब सैलरी मिल रहा है तो ये तो अक्रूड इन इंडिया हो गया टैक्स इंडिया में लगना चाहिए बट आंसर इज नो ये एक्जेम हो जाएगा कंडीशन कितनी है तीन कंडीशन पहली कंडीशन वो एम्प्लॉय का इंडिया में स्टे जो है वो नाइनटी डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए दूसरी कंडीशन उस एंटरप्राइज का इंडिया में कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं होना चाहिए और तीसरी कंडीशन के जो रेमुनरेशन उनको दिया है उस वो कहीं पे भी डिडक्टिबल नहीं है उसका कहीं पे भी डिडक्शन नहीं लिया अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में वो एग्जम्प्ट हो जाएगा रेमुनरेशन पूरा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना

सेक्शन याद रखनी पड़ेगी टेन फोर्टी एट करके और 1048 क्या बोलती है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है कौन है फॉरेन कंपनी और वो फॉरेन कंपनी क्या करती है पता है इंडिया में क्रूड ऑयल को सेल करती है

हो जाएगा उस फॉरेन कंपनी का अपनी गवर्नमेंट के साथ में अरेंजमेंट होना चाहिए दैट इज द सेक्शन 1048 अब एक बात समझना एक सेक्शन होती है टेन ए टेन ए क्या बोलती है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में क्या करती है पता है क्रूड ऑयल को स्टोरेज करती है

के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए अब एक चीज समझना अगर गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट था उसका टर्मिनेशन हो जाता है

उस पे भी इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगे यू गॉट माई पॉइंट और और नॉट यस एक चीज समझता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है और ये सेक्शन क्या बोलती है, 2021 से पे आपका है, क्या बोलती है? कि अगर कोई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट की इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है दैट इज होली ओन सब्सिडी ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मीन गवर्नमेंट कंपनी आई है यह. कौन सी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड तो इसको मैं बोलूंगा आई एस पी आर एल आई एल इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट की अब एक बात समझता ये कंपनी को अगर इनकम होती है किस चीज से पता है इनकम फ्रॉम अरेंजमेंट फॉर रेप्लेसमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन स्टोरेज फैसिलिटी इन ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस बिहार ये इंडिया में क्या करते हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े स्टोरेज है और वो स्टोरेज में क्या करते हैं ऑयल को एक बार वहां पे भरते हैं और उसके बाद वहां वो ऑयल है उसको क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद में वापस उसको फिलिंग करते हैं तो जो ऑयल के स्टोरेज में फिलिंग का काम है वो ये पर्टिकुलर कंपनी करती है इसके बारे में आपको जगह ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप गूगल सर्च कर लो आपको मिल जाएगा कि इसका विशाखापट्नम में एक स्टोरेज है और बहुत सारी जगह है उनके स्टोरेज है करके ठीक है तो वो स्टोरेज में अगर रेप्लेसमेंट का ये जो काम करती है उससे जो भी इनकम होगी उस फैसिलिटी से जो इनकम होगी दैट इज टोटली एक्जेक्ट उस पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लेकिन बात समझना उसका जो फीलिंग है वो होना चाहिए फ्रॉम 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 द द द द द एंड एंड ऑफ ऑफ ईयर इन ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही वहां से रिमूव किया उसके तीन साल के अंदर अंदर वापस उसका फीलिंग होना चाहिए यू गॉट माई पॉइंट नेक्स्ट सेक्शन ट्वेंटी और ये सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना ये सेक्शन जो है इस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना दैट इज द 1023 एफई और ये सेक्शन भी इसी साल आई है बाय फाइनेंस एक्ट 2020 एंड एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2122 आपको पता है ना वो अबू धाबी के अबू धाबी बोलते हैं अबू धाबी यूएई अबू धाबी जो है उसके किंग जो प्रिंस है वो इंडिया आए थे और जब वो प्रिंस इंडिया आए तो उन्होंने बोला था कि हमको इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में इन्वेस्ट करना है

इन्वेस्टमेंट ये चार साल के अंदर अंदर होना चाहिए दैट इज द फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट तीन साल तक हेल्ड करना पड़ेगा मिस इन्वेस्टमेंट शुड बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट थ्री थ्री इयर्स तक वो इन्वेस्टमेंट को हेल्ड करना पड़ेगा और तीसरी कंडीशन ये होती है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है इन्वेस्टमेंट या तो बिजनेस ट्रस्ट में करते हो मिस बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हो आर आई की या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी ऐसी कंपनी में जो कि डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और सच अदर बिजनेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफाइड मीन ऐसी कोई भी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एंगेज है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो किसी किसीटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में और वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या किया हुआ है पता है अपना हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट है वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में कर रखा है तीन जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेटा जो इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा एलटीसीजी मिलेगा वो पूरा एक्ज हो जाएगा तो मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मैंने बोला कुछ स्पेसिफाइड पर्सन ऐसे है वो तीन स्पेसिफाइड पर्सन है वो कौन है वो मैं आपको बताऊंगा ये तीन स्पेसिफाइड पर्सन को जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा या LTCG, देखो तीन इनकम है डिविडेंड इंटरेस्ट और LTCG ये पूरा हो जाएगा अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन इन्वेस्टमेंट चार साल में होना चाहिए फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेकर थर्टी मार्च टू तक दूसरी कंडीशन वो इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट आपको तीन साल तक अपने पास में हेल्ड करके रखना पड़ेगा और तीसरी कंडीशन वो किस में होना चाहिए पता है या तो बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आरईआईटी और आई में या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं है या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन और टू में कर रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट फंड 100% इन्वेस्टमेंट है वो अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में करता है तो उस केस में बेटा जो भी इनकम होगी दैट इज डिविडेंड इंटरेस्ट और एलटीसीजी वो एग्जम्प्ट होगा लेकिन किसको तीन लोगों को कौन-कौन से तीन लोग पता है पहला अगर कोई भी होली ओन सब्सिडरी कंपनी है अबू इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की

फंड है जो फॉरेन कंट्री के वो तीन लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन सी इनकम हो जाएगी समझने की कोशिश सर डिविडेंड इंटरेस्ट और एलटीसीजी बट कंडीशन क्या है बेटा तीन कंडीशन कंडीशन है पहली इन्वेस्टमेंट अप्रैल से लेके और मार्च फोर के बीच में होना चाहिए दूसरी कंडीशन वो इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट तीन साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा और तीसरी कंडीशन वो इन्वेस्टमेंट कहां करना है या तो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हो या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या याल्टर इन्वेस्टमेंट फंड वन और टू में करते हो लेकिन उसने हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में है तो अब एक और चीज समझना अगर तीन साल से पहले पहले वो इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया और पहले आपने एग्जामेशन ले रखी है तो भैया जिस ईयर में आपने वायलेशन किया जिस ईयर में आपने वायलेशन किया उस ईयर में वापस उस पर टैक्स लग जाएगा जो पहले टैक्स नहीं लगा था वो जिस ईयर में वायलेशन किया उस पर टैक्स लग जाएगा अब एक और चीज समझते हैं यहां पे उन्होंने कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट दे रखा है कि सोवरेन वेल्थ फंड किसको बोलेंगे या पेंशन फंड किसको बोलेंगे इसको एक बार आप पढ़ के छोड़ दोगे तो भी चलेगा करके ठीक है क्या पेंशन फंड किसको बोलेंगे वेल्थ फंड किसको बोलेंगे उसको एक बार अगर आप पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद अगर आप उसको छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा

फॉरेक्स असेट है तो फॉरेक्स असेट पे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा दैट विल बी टैक्सेबल एट टेन परसेंट और फॉरेक्स असेट पे उसको जो

तो इंडियन कंपनी का शेयर का मतलब यहां पे इंडियन कंपनी का कोई भी, कोई भी भी इंडियन कंपनी हो सकती है वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या फिर इंडियन पब्लिक कंपनी का उसने डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट खरीदा है या सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीदा है तो ये चार असेट जो है ये फॉरेक्स असेट में आती है तो देखो बेटा अगर कोई भी एनआरआई है एनआरआई के पास में फॉरेक्स असेट है फॉरेक्स असेट मतलब ऐसी असेट जो उसने फॉरेन करेंसी में खरीदी है कौन कौन सी या तो इंडियन कंपनी का शेयर या फिर इंडियन पब्लिक कंपनी का डिबेंचर या इंडियन पब्लिक कंपनी का डिपॉजिट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उसने खरीदी है एनी अदर सिक्योरिटी में भी एनी अदर अट में भी नोटिफाइड अभी तक कोई नोटिफाइड है नहीं तो ये चार असेट उसने खरीदी है तो उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा दैट विल भी टैक्सेबल एट द रेट टेन और जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी दैट विल भी टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर जो ये इनकम टैक्सेबल करेंगे इसके सामने कोई खर्चा अलाउ होगा क्या आंसर इज नो ये ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी मतलब जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इनकम है डिविडेंट है या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट है वो ग्रॉस टैक्सेबल होगा

वो अवेलेबल होगा लेकिन बेटा इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा अब एक और चीज समझना अगर आपके पास कोई फॉरेक्स असेट है और फॉरेक्स असेट को बेचने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट अब एक चीज समझता है यहां पे अगर आपको ये कैपिटल गेन को बचाना है तो आप एक काम करो यहां पे थ्री इयर्स के अंदर अंदर यहां पे थ्री इयर्स के अंदर sorry, 3 years, यहां पे 6 के अंदर सॉरी नॉट थ्री सिक्स के डेट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर की डेट से छह महीने के अंदर अगर आप दूसरी हो तो जो भी कैपिटल गेन होगा और फॉरक्स असट को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ जिस दिन ट्रांसफर किया उसके सिक्स मंथ के अंदर अंदर आपने कोई भी दूसरी फॉरेक्स अट सेफिकट जो टेन फोर बी में बोला हुआ है वो अगर सिक्स मंथ के अंदर कर लेते हो तो जो भी कैपिटल गेन है वो एक्सेंट हो जाएगा तो लेकिन यहां

और एक बात बताओ ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया चैप्टर नंबर ट्वेल्व ऑप्शनल है एनआरआई के पास लिए एनआरआई को चाहिए तो ये टॉपिक ले नहीं तो वो नॉर्मल दूसरी रेट से भी टैक्स पे कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब एक और आता है दैट इज स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स रेजिडेंट कुछ नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है उनको कुछ स्पेसिफिक इनकम होती है जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है और उसमें सबसे पहली सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वन वन फाइव ए और मैं बता दू अब जो रेट पढ़ा रहा हूं ये मैंनेडेट्री है ये ऑप्शनल नहीं है जो एनआरआई वाला टॉपिक था वो ऑप्शनल था यह मैंडेट्री है यह आपको फॉलो करना ही पड़ेगा वन वन फाइव ए में सबसे पहले बात करता है ये सेक्शन होती है इंटरेस्ट है रॉयल्टी है डिविडेंट है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है उससे रिलेटेड बात करता है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की अगर एक बात समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरन कंपनी है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है किससे पता इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से चार पांच चीजें जो ध्यान रख देना अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उसको इंटरेस्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है उसको लोन वोन दिया होगा उससे इंटरेस्ट मिलता है दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फाइव परसेंट और उस पर टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर एल बी एट द रेट फाइव परसेंट तो मैंने क्या बोला नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है किससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से देन इट दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट फाइव परसेंट और टीडीएस कटेगा वन नाइनटी फोर एल बी में एट द रेट फाइव परसेंट अब एक और चीज समझना अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है किससे पता है किसी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से

है टैक्स और टीडीएस की रेट जो फाइव परसेंट है ये फाइव परसेंट की जगह फोर परसेंट हो जाएगी अगर मनी बोरो किया जाता है किसने मनी बोरो किया जाता है और मनी बोर किया जाता इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2020 टिल 30 जून 2023 एंड व्हिच इज लिस्टेड ओनली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर तो अगर इंडियन कंपनी ट्रस्ट ने क्या किया कि भैया अगर मान लो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए और वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है वो आई एफ एस सी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्चेंज में है, तो उस पे जो इंटरेस्ट इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम की टैक्स रेट 5% की जगह 4% होगी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में

और किस पे या तो फॉरेन करेंसी लोन पे या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे इस पर्टिकुलर पीरियड में में वो इशू हुआ है तो उस केस टीडीएस कटेगा बॉन्ड परसेंट सेक्शन और इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5 अंडर सेक्शन बट यहां पर लिखा हुआ एक्सेप्ट टेन फोर सी टेन फोर सी में जाकर आप एक्समशन देखना वहां पर दे रखा था कि अगर मान लो जो भी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स उस पर्टिकुलर छह सात महीने में इशू हुआ है तो वो इंटरेस्ट पूरा एक्सेंट होता है वो आप ध्यान रखना करके ठीक है अब एक और चीज समझना यहां पे अमेंडमेंट यह आया कि अगर मान लो जो ये रूपी डिनोमिनेट

किस में रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इंडियन कंपनी के इंडियन कंपनी के रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया अप टू थर्टी जून टू या फिर इस बार इन्होंने एक और चीज एड की अगर इन्वेस्टमेंट किया किसी म्यूनिस्पल डेट इशुड में म्यूसिपल डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया किसमें म्यूनिपल डेट सिक्योरिटी में फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी से लेकर बॉन्ड्स ऑफ द इंडियन कंपनी में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर म्यूनिसपल डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट इंटरेस्ट विली टैक्स एट द रेट फाइव परसेंट और उसमें अंडर सेक्शन वन नाइन फोर एल डी एट द रेट फाइव परसेंट टीडीएस फाइव परसेंट और वो इंटरेस्ट टैक्सेबल भी फाइव परसेंट से होगा अब एक और चीज समझना डी पॉइंट पे पहले चलते हैं। और डी पॉइंट क्या बोलता है ये आपको पता है बिजनेस ट्रस्ट टॉपिक से आपको पता है बिजनेस ट्रस्ट जो होता है वो बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया कि जो यूनिट होल्डर रहता है उसको अगर इंटरेस्ट दिया जो एसपीवी से मिला था बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को जो इंटरेस्ट दिया जो एसपीवी से मिला था वो वाला इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल कौन सी रेट से होता है यूनिट होल्डर के हाथ में नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर के हाथ में फाइव परसेंट से और उस पर टीडीएस करता है अंडर सेक्शन फोर एल एट द रेट फाइव अब एक और चीज समझना अगर डिविडेंट है एसपीवी से डिविडेंट मिला था और अगर एसपीवी ने वो सेक्शन वन वन फाइव बी डबल ए फॉलो किया

लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट है वो फॉरेन uh, किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलता है किससे इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न से मिलता है फॉरेन करेंसी लोन में जो कि एबीसीडी में कवर नहीं होता है तो वो ट्वेंटी परसेंट की रेट से इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को अगर कोई डिविडेंड मिलता है इंडिया से then that dividend will be taxable at the rate twenty percent वो twenty percent से taxable होगा और अगर मान लो uti mutual fund से कोई income मिलती है वो भी तुम्हारी twenty percent से taxable हो जाएगा that is all about the interest and dividend अब एक चीज समझना अगर कोई non resident foreign company है उसको इंडिया से क्या मिलता है royalty fts मिलता है तो रॉयल्टी एफटीएस में आप एक चीज ध्यान रखना पहली चीज तो ये कि उसका इंडिया में पी .E. है या नहीं अगर उसका इंडिया में पी .E. है करके ठीक है अगर इंडिया में पी .E. है उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी है तो रॉयल्टी एफ टी एस सेक्शन फोर्टी फोर डी ए के हिसाब से जाएगा और नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा मिस पी एंडल बनेगा और वो का, पी का के क्रेडिट साइड में रॉयल्टी जाएगा डेबिट साइड में खर्चे जाएंगे जो भी बचेगा उस पर नॉर्मल टैक्स रेट से उस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी का इंडिया में कोई भी पीई नहीं है नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी का इंडिया में कोई भी पीई नहीं है और इंडिया से रॉयल्टी और रॉयल मिलता है देन इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट वो टेन परसेंट के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा अगर डीटीड में रेट कम है तो डीटी डब्ल्यू वाला रेट लेंगे अदरवाइज वो टेन परसेंट से टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को इंडिया से अगर इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है रॉयल्टी मिलता, मिलता, मिलता है और उस पर अगर मान लो ओनली यही इनकम है और कोई इनकम नहीं है वन वन फाइव वन वन फाइव ए वाला इनकम है कौन सा इंटरेस्ट है dividend है royalty, FTS है रॉयल्टी और अगर उन इनकम पे ऑलरेडी टीडीएस चुका है तो इंडिया में रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं वो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को इंडिया में कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है उसके बाद में एक सेक्शन होती है दैट इज द दाइव ए बी वन वन फाइव ए बी क्या बोलती है कि अगर कोई ओफो है ओफो का मतलब होता है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे तो ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन

तो जो यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट है उस उसपे अगर एलटीसीजी होता है या फिर उससे कोई इनकम होता है देन इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट वो टेन परसेंट से टैक्सेबल होगा तो वन वन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंडिया में म्यूचुअल फंड से या तो इनकम होती है या उस होती लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दैट विल भी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट टेन परसेंट से टैक्सेबल होगा लेकिन एक चीज समझना अगर वो एलटीसीजी जो है वो वाला है तो इट विल टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ द दन लैक मीन वन लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा वन लाख से ऊपर वाला रहेगा उस पर टेन की रेट से टैक्स लग जाएगा उसके बाद एक सेक्शन होती है वन वन फाइव ए सी ये 115 एसी क्या बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी का या जीडीआर है उस इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स या जीडीआर होता है इट विल टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट वो आपका टेन परसेंट की रेट से टैक्सेबल होगा करके तो मैंने क्या रेजिडेंट को इंडियन कंपनी का जीडीआर है या इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स है जो वन वन फाइव एसी में नोटिफाइड है उससे इनकम होता है रेट टेन परसेंट एज वेल एज द एलटीसीजी होता है वो भी टेन परसेंट से टैक्सेबल होगा अब एक और चीज समझना यहां पे अगर मान लो यही वाली इनकम है और उस पे टीडीएस कट चुका है तो उनको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अब एक चीज समझना 115AD और इस 115AD को लेके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दो-तीन बार तो आ ही चुका ध्यान रखना और सिर्फ ये चार रेट के ऊपर आया हुआ है रट मारो ये रेट करके ठीक है देखो सेक्शन ये ये बोलती है कि अगर कोई एफ आई आई है इंटरेस्ट मतलब मिलता है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स वगैरह हो गया एफ आई आई एंड क्यू एफ आई अब को पे होती है. मैंने क्या बोला एफआईआई को अगर सिक्योरिटी पे अदर इनकम होती है तो समझने की कोशिश करना इनकम रिसीव्ड बाय एफ आई आई और स्पेसिफाइड फंड अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड फंड क्या बला है स्पेसिफाइड फंडी में और टेन फोर स्पेसिफाइड फंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी थ्री वाला है, जो में है और जितने नॉन रेजिडेंट होने चाहिए मैनेजर और स्पॉन्सर को छोड़कर तो तो अगर एफ आई आई और स्पेसिफाइड फंड को अगर सिक्योरिटी पे इनकम होता है अदर देन यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट को छोड़ के क्योंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड की वो ओफो में आ जाती है अगर यूटीआई म्यूचुअल फंड की को छोड़ के अगर कोई भी सिक्योरिटी पे इनकम होगा तो वो कौन सी

अगर कोई एफ आई आई है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या स्पेसिफाइड फंड है उसको इंडिया में सिक्योरिटी पे इनकम होता है अगर एलटीसीजी जी हुआ विल बी टैक्सेबल हुआ विल बी टैक्सेबल एट थर्टी परसेंट एस टी ट्रिपल बने वाला है तो फिफ्टीन परसेंट और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है इंटरेस्ट और डिविडेंड है FII को हुआ तो ट्वेंटी और अगर तो चीज समझना जो भी एफआईआई होते हैं और स्पेसिफाइड फंड होते हैं अगर मान लो वो इंडिविजल के कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं तो अगर AOP है, तो उस केस में आप ध्यान रखना कैपिटल गेन होगा एल टीसीजीजी भी

वो एलटीसीजी अगर वन वन टू ए वाला है तो इन एक्सेस ऑफ वन लाख है वही आपका टेन परसेंट से टैक्सेबल होगा अब एक और चीज समझना सेक्शन बीबीए क्या बोलती है वन वन बी ये बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है किसी ठीक है या मैगजीन वगैरह में कुछ आर्टिकल देता है उससे रिलेटेड कुछ पैसा मिलता है देन इट विल भी टैक्सेबल एट द रेट वो कौन सी रेट से टैक्सेबल हो जाएगा वो टैक्सेबल होगा आपका कौन सी रेट से बोलो 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 टैक्सेबल होगा ट्वेंटी की रेट से या फिर एंटरटेनर है वो इंडिया में क्या करता है अगर कहीं परफॉर्म ग्राउंड वगैरह में तो इट विल टैक्सेबल है इटक्ट द्वेंटीएस टॉपिक में बताया था वन नाइन ई में टीडीएस काटते थे और टैक्सेबल होता है इट विल टैक्सेबल एट द रेटेंटी परसेंट अब एक चीज समझता यहाँ पे, जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है वो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ में तुम्हारा नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए मिस नॉन रेजिडेंट के साथ साथ में वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक चीज समझना जो मैंने आपको स्पेशल वाली रेट पढ़ाई ए लेके ए बी ए सी ए डी करके ठीक है या वन वन फाइव बी बी ये जो मैंने आपको रेट पढ़ाई ये रेट में जो भी इनकम होती है वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी इसके सामने कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते मिस जो भी खर्चे सेक्शन ट्वेंटी एट से फोर्टी फोर सी या फिफ्टी सेवन के खर्चे वो अलाउ नहीं होंगे एज वेल एज आपको अंडर चैप्टर सिक्स का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एटी एल ए के सामने एक्सेप्ट एटीएलए जो आई एफ एस सी वाले जो होते हैं उनको कुछ डिडक्शन मिलता है बट इसको छोड़ के और कोई चैप्टर सिक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है मिलेगा लेकिन एक चीज समझता अगर आपको रॉयल्टी एफ टी एस होता है तो रॉयल्टी एफटीएस के सामने आप अंडर चैप्टर से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट एज एज वेल द फर्स्ट प्रोवाइज टू सेक्शन 48 है वो अवेलेबल नहीं होगा और ये जितनी भी सेक्शन मैंने आपको पढ़ाई है वो मैंडेटरी है और बेसिक एक्सामिशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है जो बेसिक एक्सामिशन का बेनिफिट है वो स्पेशल रेट्स के सामने आपको नहीं मिलता अब एक चीज समझता है छोटू सा टॉपिक है टेक्सेशन ऑफ जीडीआर

ट्रेडेड होती है अब एक चीज समझना यहाँ पे होता क्या है कि वो जीडीआर पे अगर किसी नॉन रेजिडेंट को कोई भी एलटीसीजी हुआ तो दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट और उस पर जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट अभी अपन ने सेक्शन वन वन फाइव में देखा था अब एक बात समझना अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया के बाहर किसी एक पर्सन एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर अगर जीडीआर देता है तो उस पे इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता ये अपने कैपिटल गेन टॉपिक में अपन ने ने पढ़ा था तो देखो अगर एक नॉन नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट दूसरे को जीडीआर बेचा तो उस ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा एनआर को बेचा तो कोई कैपिटल गेन नहीं लेकिन एनआर ने आर को बेचा तो कैपिटल गेन तो लगेगा या आर ने आर को बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा या आर ने एनआर को बेचा तो भी कैपिटल गेन लगेगा मीन इंडिया के बाहर किसी एक एनआर ने दूसरे एनआर को बेचा तो इंडिया में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा एक और चीज समझनाइज स्टॉक एक्सचेंज है आप, आप ट्रांसफर करते हो नॉन रेजिडेंट ने कियाको मिला वो फॉरन करेंसी में मिला तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना आपके पास ऑप्शन होता है कि जीडीआर को चाहे तो आप इंडियन कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप उन शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो जो भी जीडीआर है उसको इंडियन कंपनी के शेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि हमको जीडीआर के बदले इंडियन कंपनी के शेयर दिए जाए अब हुआ क्या जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन आज की डेट में की एप्लीकेशन मान लो पांच अप्रैल 2021 को इस दिन आपने एप्लीकेशन की अब हुआ क्या, क्या? आपको जो शेयर अलॉट हुए जीडीआर के बदले आपको शेयर अलॉट हुए वो मान लो आपको सिक्सटीन अप्रैल 2021 को शेयर अलॉट हुए तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना आपको टैक्स लगेगा क्योंकि आपका जीडीआर जा रहा है शेयर आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा

जिस दिन आपको शेयर अलॉट होगा उस दिन का या जिस दिन आपने रिडम्शन के लिए रिक्वेस्ट किया था उस दिन का राइट आंसर है जिस दिन आपने के लिए रिक्वेस्ट किया था उस दिन का तो जिस दिन आपने रिडम्शन के लिए रिक्वेस्ट किया था मिस आज की डेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा ना वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा तो मैंने क्या बोला कि भैया जीडीआर के बदले आपको शेयर मिलेंगे तो जीडीआर के रिडम्शन का आपने रिक्वेस्ट डाला रिडमशन हुआ मान लो दस पंद्रह दिन बाद और आपको शेयर अलॉट हुए तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा लेकिन शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट का क्या शेयर अलॉट हो

अन ने जो वोडाफोन वाला केस देखा था वोडाफोन में इंडियन कंसर्न कौन सा था दैट इज हच एस आर इंडिया का था उसकी फॉरेन की कंपनी कौन सी थी सीजीपी थी और सीजीपी अपने शेयर की वैल्यू इंडियन से डिराइव करती थी अब एक बात समझना जो इंडियन कंसर्न होता है वो इंडियन कंसर्न को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ऐसी कोई फॉरेन की कंपनी है जो अपने शेयर की वैल्यू हमारी इंडियन असेट से डिराइव कर रही है तो वो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी इन द प्रिस्क्राइब टाइम उससे रिलेटेड रूल्स बने हुए हैं और वो रूल्स में जो टाइम दे रखा है उस टाइम तक आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी

कंपनी का राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो उस केस में पांच लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा लास्ट पार्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक का दैट इज द वन फाइव जे बड़ा सिंपल सा पार्ट है करके ठीक है एक बात समझना एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे जैसे मान लो एक फॉरन की बैंक है जिसका नाम है दैट इज अ बैंक ऑफ और आई कैन से एच एस बी अब एच एस बी सी ये हांगकांग में लोकेटेड बैंक है इस एच एस बी सी की एक मुंबई में ब्रांच है जिसका नाम एस HSBC मुंबई ब्रांच अब एक बात समझो ये मुंबई की जो ब्रांच है वो भी तो फॉरेन कंपनी है क्योंकि ब्रांच है वो फॉरेन कंपनी होती है एच एस बी सी हांगकॉग कंपनी तो उसकी ब्रांच है वो भी तो फॉरेन कंपनी है अब एक चीज समझता अभी हमारे और आरबीआई ने यह अलाउ किया है कि अगर आप चाहो तो आपकी जो इंडियन ब्रांच है फॉरेन कंपनी की जो इंडिया में बैंक की ब्रांच है आप चाहो तो इसको इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो आप चाहो तो इसको एच मान लो प्राइवेट लिमिटेड है वो एच प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी बना सकते हो अगर आप चाहते हो तो अगर आप चाहते हो तो यहां पे एच एस की एक ब्रांच थी इंडिया में और वो ब्रांच को आप कन्वर्ट करके और इंडियन कंपनी बना सकते हो अब एक बात समझना जैसे ही आप ब्रांच को इंडियन कंपनी बनाओगे जैसे ही वो ब्रांच है वो ब्रांच को आप इंडियन कंपनी बनाओगे जो ब्रांच है उस ब्रांच को जब आप इंडियन कंपनी बनाओगे तो ब्रांच की जितनी भी एसेट है वो इंडियन कंपनी को ट्रांसफर होगी तो इस पर तो कैपिटल गेन एंड ऑल लग जाएगा तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म देंगे और जो फॉरेन कंपनी की इंडिया में ब्रांच है उस ब्रांच को अगर आप इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हो देन इट वॉन्ट बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा कुछ कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन निकालना था गवर्नमेंट इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी निकाल चुकी है करके अब ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये बोलता है कि आपको कैपिटल गेन जो लगता है वो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा अगर बेटा ये पांच कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पांच कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो एच मुंबई की ब्रांच को एच एस लिमिटेड एक हॉगकॉन्ग तो उस केस में अगर पांच कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में जो भी असेट ट्रांसफर होगी एच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उस केस में उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर पांच कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पहली कंडीशन यह है कि भैया जो ये स्कीम है ना इस स्कीम को अप्रूव करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर ऑफ द फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर है वो अप्रूव करेंगे और उस स्कीम को सेंक्शन करेगी अपनी आरबीआई अपनी आरबीआई स्कीम को सेंक्शन करेगी और इसको अप्रूव कौन करेगा शेयर होल्डर ऑफ द एच एस बी सी दूसरी कंडीशन यह है कि उस जो ब्रांच की ऑल एंड लाइबिलिटीज है वो इंडियन कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए

पड़ेगा करके ठीक है तो देखो बेटा मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन तीन कंडीशन पहले मैंने बताई पहली कंडीशन ये कि जो भी स्कीम है उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा एच एस के शेयर होल्डर से और वो सेंशन कौन करेगा आरबीआई सेंशन करेगा दूसरी कंडीशन ऑल असर्ट एंड लाइबिलिटी जो ब्रांच की थी वो इंडियन कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए तीसरी कंडीशन यह है कि भैया जो भी उस फॉरेन कंपनी की जो ब्रांच की जो असेट है उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना पड़ेगा चौथी कंडीशन क्या बोलती है पता है कि जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ उस दिन से लेके उस ईयर के एंड तक

उस इंडियन कंपनी को, को मिल जाएगा और इंडियन को फ्रेशयर का टाइम लिमिट मिल जाएगा क्योंकि लॉ यहा है, पता है? पे हुआ, उस ईयर का लॉस माना जाएगा मीन यहां फ्रेश मिल जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन

जो फॉरेन कंपनी को फ्री में शेयर मिले

कन्वर्जन का मतलब क्या होगा वो आपको दे रखा है करके ठीक है सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक टैक्सेशन आई थिंक सबसे बड़ा लेक्चर ये वाला रहेगा हो सकता है कुछ और लेक्चर रहेंगे जो इतने लंबे रहेंगे बट ये बहुत बड़ा लेक्चर था कितना सारा पढ़ना चालू किया था स्टेटस से लेके अब तक कभी कभी तो बीच में आपको लग रहा होगा क्या, क्या चल रहा है कितना सारा है हमने तो आज तक तो इतना नहीं देखा था नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में बट गाइस ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है इतना बड़ा है आप कम से कम चार पांच बार इस लेक्चर को सुनोगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा और बार बार आप उसको देखोगे और वो जो एफ की रेट वगैरह है वो आप याद रखोगे दो चार बार आप पढ़ोगे तो आपको इजीली वो दिमाग में रिटेन हो जाएगी और जब आप क्वेश्चन करोगे तो और चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी सो थैंक्स अ पीपल बाकी बस अपना काम क्या है पढ़ाई करना तो पढ़ाई करते रहो करके ठीक है और जब भी आप कभी नेगेटिव फील करते हो तो अपने आप को उससे बाहर निकालो बहुत बार ऐसा आपके साथ होता होगा जब आप पूरा प्लान करते होंगे और वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता होगा मीस आपने प्लान किया होगा कि चलो यार मैं चार दिन में ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा या ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा लेकिन चार दिन बाद देखते हैं तो भैया कम से कम थर्टी फोर्टी परसेंट बचा होता है तो अपन बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसा बहुत बार होता होगा जब पूरे दिन में कुछ पढ़ाई नहीं हुई पूरा दिन चला गया और उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं हुई तो देखो मैं बताऊं आपको जब भी जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है बेटर रहेगा आप रिविजन लेक्चर सुन लो किसी भी प्रोफेसर के जो रिविजन लेक्चर आप फॉलो करते हो या आपने खुद ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके रखा है तो आप रिविजन लेक्चर कान में डालो आप सुन लो क्योंकि ऐसा होता है मतलब आप हर थर्टी डेज एक जैसे निकलेंगे ऐसा नहीं हो सकता महीने में कुछ दो चार दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपकी लाइक आपका मन नहीं कर रहा है बहुत बार ऐसा होता है कुछ हुआ नहीं है बट मन ही नहीं कर रहा है आप पढ़ने बैठ रहे हो याद ही नहीं हो रहा है ऐसा होता है बट डोंट वरी उसको ओवरकम करो उसको फटाफट है उसको उससे बाहर निकलो अगर ऐसा लगता है कभी तो थोड़ी देर आप घूमने चले जाओ मम्मी पापा से बात कर लो कुछ टीवी देखना टीवी देख लो करके ठीक है और ऐसा करने के बाद आप उससे फटाफट बाहर निकलो और फिर वापस से आपका जो रिदम है उसको कंटिन्यू करो जो आपका प्लानिंग है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो तो ऐसा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है सबकी लाइफ में होता है अपनी लाइफ में होता है बहुत बार अपन पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते हैं कुछ क्वेश्चन लेके बैठे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है घंटा भर हो गया दो घंटे हो गए डोंट वरी जस्ट स्किप दैट नेक्स्ट पार्ट पे जाओ और जब भी आपका दिमाग फ्रेश रहेगा जब आप एकदम पॉजिटिव सोच रहे होंगे तब आपका इजीली उसका आंसर आपको मिल जाएगा तो ऐसी सब चीजें रहती है सो so, टेंशन ना लो बट आप जो टारगेट आपने बनाया है पहले वो टारगेट को कंप्लीट करो उसके बाद नया टारगेट बनाओ करके ठीक है और टारगेट जो होते हैं वो टारगेट आपको पूरे करने हैं और फिर छोटे छोटे सेलिब्रेशन किया करो मतलब अपने को ट्रीट दिया करो मैं ऐसे बहुत बार करता हूँ मैं ऐसे रिवीजन लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है तो मैं ये बोलता हूँ आज मैंने ये रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड किया ना तो मैं आज है ना कुछ ना कुछ देखूंगा मैं सीरीज देखूंगा रात को दो घंटे के लिए ठीक है मैं जब कोविड वाला पीरियड है अभी भी चल रहा है टुडे इज द टेंथ डे ठीक है जिस दिन कोविड हुआ था उस दिन से तो मैं अपने आप को ऐसे ट्रीट देता हूँ कि नहीं यार आज मैं एनआर का रिवीजन लेक्चर है वो रिकॉर्ड करूंगा और ये रिकॉर्ड करने के बाद मनी हाइस्ट के मेरे कुछ एपिसोड बाकी बचे हैं थर्ड सीजन चल रहा है तो मैंने कहा वो मैं देखूंगा करके ठीक है तो मेरे को लगता है यार नहीं यार फटाफट एक बार कंप्लीट करते हैं फिर मुझे वो देखने को मिलेगा तो दैट टाइप ऑफ थिंग है वो आप भी अपने आप में प्लान किया अपने आपको ट्रीट दिया करो कि चलो आज चॉकलेट खाएंगे अगर मान लो ये पूरा कर लिया मैंने ये टॉपिक के क्वेश्चन सब कर लिए तो मैं है वो अपने आप को चॉकलेट खिलाऊंगा करके ठीक है या मैं फिर कुछ ये करूंगा मैं ये सीरीज देखूंगा ये मूवी देख लूंगा अगर मैंने ये आज कंप्लीट किया तो और फिर उस पर लग जाओ करके मजा आ जाएगा करके ठीक है तो ऐसे अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दिया करो और वो टारगेट को फुलफिल किया करो सो थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है